हेलो अमरन, यस ब्रो, आई एम हियर। हाँ हियर फ्रॉम यू। ओके जस्ट आई एम फ्रॉम शहडोल, इट्स इन एमपी। शहडोल। या एंड यू? आई एम आल्सो इन शहडोल। मैं बट ओके, वेयर इज शहडोल? आई लिव इन अनूपपुर बट आई एम स्टडीइंग इन शहडोल। ओके ओके, जस्ट आई एम फ्रॉम दोहारी इन शहडोल। ओके 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 एंड या वेयर आर यू स्टडीइंग? Yes, I am studying in Jabalpur. ओके व्हिच कॉलेज? कॉलेज नेम इज श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। या एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम स्टडीइंग इन यूआईटी शहडोल, यूआईटी आरजीपी शहडोल ओके, इन दैट्स गुड। माइनिंग ब्रांच। सॉरी, माइनिंग ब्रांच। माइनिंग? या या दैट्स गुड फील्ड। श्योर श्योर या बट द स्कोप आर आई थिंक नाउ I have lots of, I have much better scope. I have no. if you are talking about scope, so I think if you are having talent, so everywhere you are having job everywhere. Yeah, sure. But So, it's a perfectionist job like that. Like AIS and many of more like CS branch. If you are sitting any office, any room in mining branch, you can go to mines. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Happy Raksha Bandhan to everyone. Yeah, thank you, sir, and same to you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, and same to you. Thank you very much. So, Dik Raksha Bandhan, you should all commit yourself. Despite often tiding on your wrist, Raksha Bandhan from your yes, sister, you should promise to you, you will take care of yourself as well, because this year 2020 is a year of self consciousness. This year is called self consciousness. मतलब ये एक ऐसा साल है जो आप खुद के लिए जी रहे हैं. You are struggling. Everyone is struggling for their own life, isn't it? तो इसे हमें प्रॉमिस करना चाहिए, हमें इस बात का प्रण लेना चाहिए कि हमारी बहनों से हमने रक्षा का बंधन तो बांध लिया है, लेकिन साथ में हम खुद की भी रक्षा करने का प्रण ले. अभी वो समय आ चुका है सर. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. और आज की क्लास जो है बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है. क्लासेस ऑन वोकैबुलरी, VOCABULARY, वोकैबुलरी के ऊपर हम बात करेंगे आज. वोकैबुलरी का मतलब होता है वर्ड मीनिंग्स. और जैसा हम सभी जानते हैं कि कल हम लोगों ने पैराजम्बल्स के ऊपर पूरी क्लास करी थी. हमने जितनी भी टेक्निक्स थी, जितने भी शॉर्टकट्स थे, उसके बारे में जाना था. कई क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे और उसकी एक्सरसाइज मैं आपको आज की क्लास में शेयर करूंगा. और जहां तक सवाल वोकैबुलरी का है, वोकैबुलरी एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट है जो हर जगह आप देखिए, चाहे बात करने की बारी आती हो, चाहे आप इंटरव्यू GD के बारे में बात करें, या आप रिटन टेस्ट की बात करें जिसमें सिनोनिम के फॉर्म में आता है, एंटोनिम के फॉर्म में आता है, पैरोनिम्स के फॉर्म में भी आता है, होमोनिम्स आता है, ऑड वन आउट आता है, एनालॉजीज आता है, वोकैब कॉन्टेक्स्टुअल क्वेश्चंस होते हैं. मतलब बहुत ही वेरिड फॉर्म में वोकैब के जो सैंपल सैंपल क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही वेरिड फॉर्म में आते हैं. इफ यू आर गुड एट दैट, यू कैन मेक अ मास्टरी ऑन ओवर इट. आप उस पर एक अच्छी अपनी मास्टरी होल्ड क्रिएट कर सकते हैं. फाइन, यस सर. तो इसमें तो आपको अच्छा होना ही चाहिए, इसमें तो आपको पारंगत होना ही चाहिए, एक्सपर्टीज आपकी इसमें होनी चाहिए. लेकिन एक कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ ऐसी ट्रबल्स हैं, कुछ ऐसी वरीज हैं आपकी तरफ से जो आप हमेशा से आज तक फेस करते आ रहे हैं.
और वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते आ रहे हैं। सबसे पहली आपकी प्रॉब्लम ये कि हम वर्ड्स याद करते हैं और आज याद करते हैं कल तक भूल जाते हैं, पहला प्रॉब्लम। और सेकंड प्रॉब्लम ये होता है कि सर यदि वो मान लीजिए वर्ड हमने पढ़ लिया तो इस बात की गारंटी नहीं कि जब हम किसी से कोई बात कर रहे हैं तो वो वर्ड हमारे दिमाग में फ्लैशबैक हो ही रहा हो, मतलब वो याद आ ही रहा हो, ये भी एक प्रॉब्लम होती है हमारे साथ, राइट। और एक थर्ड इशू ये आता है कि सर कंसिस्टेंसी का इशू आता है कि हमने एक दिन कर लिया, दो दिन कर लिया, थर्ड डे फिर पता नहीं क्या हो जाता है, somehow, somewhat, we stopped doing it. And we found ourselves at the same point and same start point where we had earlier started. So, ऐसे छोटे छोटे कई problems हम लोग जो है face करते हैं, right? While seeing vocabulary questions. So, हम लोग उन सारे मुद्दों के ऊपर हम लोग will talk about on all the corners कि हम अपना vocabulary कैसे strengthen करें, कैसे empower करें, कैसे backup करें, कैसे hone up करें. और याद होगा जब हम लोगों ने सेशन के ऊपर बात करी थी तो मैंने आपसे कहा था कि आज का जो सेशन, मतलब ये जो सेशन होता है वोकैबुलरी का, इसका नाम है वोकैब की दन दनादन। और इस सेशन को मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए भी देता हूँ क्योंकि जैसा मैंने कहा कि चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट हो, चाहे वो रिटन टेस्ट हो, हर जगह इसकी अपनी इक्वल इम्पोर्टेंस है। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यदि कोई लड़का इंग्लिश में यदि मान लीजिए वीक है, थोड़ा एवरेज बच्चा है, रिटन की मैं बात करूँ स्पेशली, कम्युनिकेशन इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, मतलब जब लिखने वाली जो इंग्लिश होती है जिसमें रिटन टेस्ट होता है आपका, यदि उसमें कोई लड़का एवरेज है या वीक स्टूडेंट है और ऐसे बच्चे को यदि उसने कोई क्लास अटेंड ना करी हो, उसको कुछ नहीं आता हो, लेकिन उसको से वोकैबुलरी अच्छी हो, उसको स्ट्रांग हो वोकैबुलरी, तो आई कैन एश्योर यू, आई कैन गारंटी कि वो लड़का फिर भी 60-70% स्कोर कर लेगा। क्योंकि पूरा पेपर देखो आप, एंटायर पेपर में चाहे वो अनसीन का क्वेश्चन हो, अनसीन के अंदर भी आता है ना सिनोनिम एंटोनिम, जो प्लेन क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर भी इसके क्वेश्चंस पूरी भरमार होती है। और जनरली किसी भी चीज को समझने के लिए प्रॉब्लम सबसे पहली जो आती है वो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वर्ड मीनिंग्स की रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। और ऐसा नहीं कि मेरी क्लास एक दिन की कर लेने के बाद जिंदगी भर के लिए आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हाँ, बट आई कैन सजेस्ट यू मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स, I'll suggest you many ideas, I'll suggest you about day-to-day working, what needed to do on everyday basis so that you can retain, you can revive yourself on a regular basis. उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ी बहुत आवाज आ रही है कहीं कुमरेंद्र आपकी तरफ से शायद आ रही है, आई गेस वो बैक साइड से कोई आवाज आ रही है आपकी आपकी तरफ से। तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि सर वोकैब में सबसे सबसे प्रॉब्लम क्या, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि सर वो हम याद करते हैं और हम भूल जाते हैं। होप आई एम सेइंग दिस ट्रू। मैं पीपीटी बहुत सी रखा हूँ आपके लिए विच आई विल डिस्प्ले वन बाय वन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप चीज़ों को सुने और फिर हम पीपीटी आपके ऊपर दिखाएं और उससे भी आप चीज़ों को कोरिलेट करें जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, है ना। पीपीटी को दिखा करके ही आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने कहा कि हम वोकैब भूलने की जो आदत है इसको कैसे ठीक कैसे करें इसको। अच्छा, इसमें एक छोटा सा मजेदार स्टेटमेंट है, जब हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको हम हाउ कैन आई इंप्रूव दिस प्रॉब्लम, ये वर्ड आपने अक्सर इंग्लिश में सुना होगा, पीपल यूजुअली स्पीक दिस, हाउ कैन आई चेंज नहीं बोलते, हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ नहीं बोलते, वो ये बोलते हैं हाउ कैन आई इंप्रूव। इंप्रूव का मतलब इनडायरेक्टली होता है बूस्ट कैसे करें, मतलब ये प्रॉब्लम अपनी बढ़ाए कैसे। इम्प्रूव का यहाँ सेंस जबकि कुछ और निकलता है, राइट जबकि हम लोग बोलते हैं कि मतलब हम अपना इंग्लिश इम्प्रूव कैसे करें, मतलब वोकैबुलरी बूस्ट कैसे करें, हम शायद उसको सेंस कुछ और बोल रहे होते हैं लेकिन उसका सेंटेंस का जो मतलब इंटरप्रिटेशन वाइज होता है वो कुछ और निकल रहा होता है। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि हम भूलने की जो हैबिट है और ना उसको कैसे हम एनलार्ज, उसको कैसे हम ठीक करें, उसके ऊपर हम लोग सबसे पहले बात करें। तो मैं काम करता हूँ, मैं अपनी वीडियो ऑन कर रहा हूं कुछ देर के लिए। विजिबल हूं, हेलो। यस सर जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि याद करने वाली प्रॉपर्टी को हम कैसे उसको और इनलार्जन कैसे करें।
देखिए, हम और आप बात चाहे कुछ भी करें, है ना, अल्टीमेटली उसका मोटिव ये है कि आज यदि आप ध्यान से सुनोगे इस 2 घंटे की क्लास को, तो आप ये पाओगे कि सर हमने ऐसे कई वर्ड्स आपके मुंह से सुने हैं जो हमें या तो कभी हमने सुने थे, या आप यूं कह लें कि हमें पता थे लेकिन हमें ठीक से नहीं पता थे, और इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि सर हमें इसे नोट कर लेना चाहिए था, है ना, और हमें इसको डे टू डे में हमें यूज ज्यादा करना चाहिए फ्रीक्वेंटली। किसी लड़के को यदि बोलचाल की भाषा में दिक्कत ज्यादा होती हो, मान लीजिए होती है, सबको होती है, थोड़े बहुत सभी के हाथ बधे होते हैं, आप कह सकते हैं एवरीवन फील है ना अंडन क्वाइट अनकंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश टू विद हिज फ्रेंड और अदर्स, सम और अदर्स, एवरीबॉडी हैज सम प्रॉब्लम इन इट्स ओन वे, आई नो एंड वुड आल्सो अग्री टू ऑन माय सेड वर्ड्स। तो क्वेश्चन इज कि सर इसको कैसे ठीक किया जाए, मतलब क्या करें। अब लड़का फ्लुएंसी तुरंत इंप्रूव नहीं कर सकता, फ्लुएंसी मतलब धारा प्रवाह अंग्रेजी तुरंत तो नहीं बोल सकता, राइट। उसके लिए आप एक काम ये कर सकते हो कि आप बातचीत करने के लिए जो किससे भी बात करो, आप चाहे अपने फ्रेंड से बात करो, अपने फैकल्टी मेंबर से बात करो, या अपने किसी और से बात करो, आप मुसीबत एक ही है कि सर माहौल वैसा है नहीं जैसा अपन चाहते हैं, वैसा माहौल नहीं मिल पाता। अब इस माहौल को तो हम चाहे और आप चाहे तो बदल, तो चाहे अपने से अपने आप के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, बट जिस तरह का परिवर्तन हम लोगों के बीच में लाना चाहते हैं वैसा परिवर्तन तो कभी नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि उस तरीके के परिवर्तन के लिए सामने वाले को भी हमारे जैसा होना पड़ेगा और वो संभव नहीं है। हम दूसरे को अपने जैसा नहीं कर सकते, है ना, उसकी इच्छा होगी तो ही वो करेगा, आपकी इच्छा है इसलिए आप कर रहे हो, है ना, उसकी इच्छा होगी तो वो करेगा वो भी। ऐसे सिचुएशन के अंदर एक माहौल वैसा नहीं मिल पाता, कुल मिला के सराउंडिंग एनवायरमेंट डेवलप नहीं हो पाता। तो आप जब बात कर रहे होते हैं ना, तो आप कुछ अच्छे डिफिकल्ट मतलब अच्छे कुछ स्टैंडर्ड लेवल के जो वर्ड्स हैं वो आप प्रयोग में ला सकते हैं। फ्लुएंसी सबसे देखो आखिर में आता है, प्रोनंसिएशन भी धीरे धीरे इंप्रूव होता है जब आप धीरे धीरे नोटिसिबली बहुत ध्यानपूर्वक चीजों को सुनते हैं। जब आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो फिर आप बोलते समय भी वो गहराइयों का इस्तेमाल करते हैं, आप बोलते समय भी उन चीजों को उसी तरीके से नोटिस करते हैं कि जैसे हमने सुना था वैसे हम बोले प्रोनंसिएशन के हिसाब से, राइट। तो मेरा कहना यह है कि यू कैन नॉट डायरेक्टली इंप्रूव योर फ्लुएंसी पार्ट, your thought process not immediately change, but yes you can speak up some good level words or say some those standard words which through you can emphasize, you can create your effectivity to the person next whomsoever you are talking. Jaise example main batata hu, jaise maan lo aap example maine bola maan lijiye ki statement maan lijiye likha hua hai, this maths question is a paltry sum, ठीक है, दिस मैथ्स क्वेश्चन इज अ पाल्ट्री सम, PALTRY लिखा हुआ है। अब पाल्ट्री का मतलब थोड़ा सुनने में अजीब, आपको तो नहीं पता पाल्ट्री का मतलब क्या है, है ना। अब पाल्ट्री का मतलब सुनने से ही लग रहा है कि हाँ सर मैथ्स की बात हो रही है ना, मैथ्स के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, जबकि पाल्ट्री का यहाँ सेंस जो है वो ईजी है। पाल्ट्री का मतलब क्या है, आसान, ठीक, क्योंकि दो ये पता था आपको कि या तो आसान होगा या तो डिफिकल्ट होगा, दो में से ही इसका सेंस होगा, तो पाल्ट्री वर्ड थोड़ा सा अच्छा है। मैंने कहा अपेरेंटली जो मैं कहना चाहता हूँ, अब मैंने वर्ड जो बोला है अपेरेंटली बोला है, मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ लेकिन मैंने वर्ड जो क्या यूज किया, अपेरेंटली। मैंने कहा देखिए यदि आप इन चीजों को बहुत मैग्नीफाइड तरीके से समझे, अब मैग्नीफाइड तरीके से समझे तो मैग्नीफाइड वर्ड मैंने बोला। मैंने बोला यदि आपके थॉट्स के अंदर यदि फिडिलिटी हो, क्या बोला मैंने, आपके थॉट्स के अंदर यदि फिडिलिटी हो, फिडिलिटी। अब मैं बोलने का मेरा जो इंटेंशन है वो यही है कि आप उससे कुछ बड़ी चीज सीखें, वर्ड सीखें आप, इसलिए मैं उसको हिंदी में भी बोल रहा हूँ लेकिन मैं साथ साथ शब्दों को सिखा भी रहा हूँ। तो ऐसी चीजें यदि आप करना सीख लोगे ना, तो धीरे धीरे आपको पाओगे कि आपका वर्ड बैंक जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, और कम्युनिकेशन पर आपकी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे पकड़ भी बनती जाएगी, ठीक। तो मैं आपसे पहले तो आपसे वो मुद्दे पे बात करूंगा जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि आप वर्ड्स को भूलने की जो आदत है उसको कैसे ठीक की जाए, है ना, और ये समस्या कैसे दूर होगी। ये प्रॉब्लम आप में से कितने लोगों को है, बस एक बार बोल दीजिए ताकि हाजिरी भी आपकी लग जाए और रक्षाबंधन भी हो जाए। सर आई हैव, चलिए एक लोगों ने बोल दिया, राम जी ने कह दिया, चलो गुड, चलो 3 लोगों ने बोल दिया, 4 लोगों ने बोल दिया, मैक्सिमम लोगों ने बोल दिया, मैंने मान लिया सभी ने बोल दिया, वेरी गुड, ठीक। अब मैं बता रहा हूँ आपको उसके लिए क्या करना है ना। इसके लिए सबसे पहला जो है तरीका ये है, यदि मैं आपसे कहूँ यदि आप अपना हाथ ऐसे करें, अपना हाथ यदि आप ऐसे करें और इसके अंदर पानी डाल दें आप हाथ में, ठीक, तो मैंने आपसे पूछूं कि इसमें पानी, जब भी मैंने हाथ थोड़ा ऐसे कर लिया है, ठीक, और पानी के इसके बीच में मैं डाल दूंगा, तो टेल हाउ लॉन्ग द वॉटर विल रिटेन माई हैंड ऑन माई पाम लाइक दिस,
जब तक मेरा हाथों का सर, हाथ का सरफेस ऐसा रहेगा तब तक पानी इसमें रिटेन करेगा, ठीक है. मैं इंग्लिश में बोलूं तो मैं कहूँ हाउ मच लिव वॉटर आई कैन होल्ड माई पाम लाइक दिस, राइट. ये समझ में नहीं आया होगा आपको, इसके पहले मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया था कि पानी तब तक ही रहेगा जब तक मेरा हाथ का पोजीशन ऐसा रहेगा. जैसे मैंने हाथ में स्ट्रेट कर लिया तो पानी क्या होगा, फिसल करके नीचे गिर जाएगा क्योंकि सरफेस टेंशन वीक हो जाएगा, तो पानी जमीन पे आ जाएगा. इसी तरह से दोस्तों होता क्या है कि जब आप कोई वर्ड याद करते हो उसको रिटेन नहीं कर पाते, रिटेन का मतलब होता है रिफ्रेश नहीं करते. रिफ्रेश मतलब क्या होता है, रिविजन नहीं करते. रिविजन का मतलब क्या होता है, रिग्रेस नहीं करते. रिग्रेस का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ रिपीटेशन को बोलते हैं, वो हम नहीं करते. तो फिर वो वहीं का वहीं पे स्टेबल हो जाता है, मतलब इसको बोलते हैं स्टैटिक फॉर्म में आ जाता है, ठीक. अब जैसे मान लो यदि आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, ठीक है, आप यदि ज्वाइंट फैमिली में रहते हो और आपके परिवार के अंदर मान लो 20 लोग हैं, एग्जाम्पल मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल बोला है, या 10 लोग भी मान लो, या 10-20 लोग हैं, दो परिवार, तीन परिवार, चाचा जी का परिवार, सबका मिला के यदि 10-15 लोग यदि घर में हैं ऑल टुगेदर, बच्चों को, बड़ों को, सभी को लेके, तो आप, मैं आपका मेंटर हूं और आप मुझे सभी नाम बता दो कि सर उसका नाम जो है, इनका नाम ये है, इनका नाम ये, इनका नाम ये, इनका नाम ये, सबका नाम बता दो, तो क्या आप मेरे से उम्मीद करते हो कि एक बार में मुझे सारे नाम बताओगे तो याद हो जाएगा? बोलो नहीं याद होगा. यदि मेरे घर में जो लोग रहते हैं मैंने उनके सबके नाम आपको बता दिए तो क्या आप एक बार में याद कर पाओगे? नो वे, नो स्कोप, नो चांस. हेलो, क्या हुआ, कुछ आवाज आ रही थी, कुछ कहना चाह रहा है कोई आप में से? हेलो, किसी को कुछ कहना है क्या आप में से? चलिए, तो बात हो रही थी कि मैं अपने परिवार के लोगों का नाम आपको बताऊं या आप अपने परिवार के लोगों का नाम मुझे बताएं. दोनों ही कंडीशन में मैं वो नाम ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख पाऊंगा. उसका विशेष कारण सिर्फ ये है कि वो लोग मेरे से फैमिलियर नहीं है. वो लोग क्या नहीं है, मेरे से फैमिलियर नहीं है, ठीक है. और आप उनसे डेली बेसिस पे बात कर रहे हो, टेलीफोन पे बात कर रहे हो, आमने सामने बात कर रहे हो, तो आपको सबके नाम याद है और आप वन गो में, वन शॉट में फटाफट सबके नाम बता दोगे. तो बात दोस्तों यही है कि आप वर्ड्स के साथ थोड़े से अनकंफर्टेबल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप वर्ड्स को एक दिन करते हैं और फिर उसके बाद आपकी जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जो आपको, जैसे आपका दोस्त, देखो आपका जो सबसे अच्छा वाला दोस्त है, आप उसको रोज नहीं तो कम से कम रेगुलर उसके टच में आप होंगे, आप उसके टच में हो या वो आपको कॉल करता हो या आप उसे कॉल करते हो, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत खास हो ना. क्यों खास हो? क्योंकि आप उसके रेगुलर टच में बने हुए हो. और टच में कैसे होता है, आदमी जब समय देते हैं, आप उसके लिए समय देते हैं या वो आपको समय अपना देता है, राइट. तो इन बोथ दी कंडीशंस यू आर ऑफरिंग योर टाइम, ठीक, यू ऑफरिंग योर टाइम एंड देन देयर इज अ बॉन्ड. तब उन दोनों के बीच में क्या बनता है, रिश्ता बनता है, इसको बॉन्ड कहते हैं. तो आपने समय जो है शब्दों के लिए कितना दिया, बहुत नॉमिनल टाइम दिया आपने. आपने जो बहुत कम समय दिया, आपने क्या किया, अपना खाना पूर्ति करने के लिए आपने कागज लिया, मतलब एक कॉपी बनाई, वो भी बहुत ही हैवी वेटेड, बहुत ही अंदर से भारी मन से आपने कॉपी बनाई और कॉपी पे आपने उठाया और उसी तरीके से पूरा सिंधु घाटी बना दिया आपने, मतलब शुरू से लेके आखिर तक आपने सारे वर्ड्स लिख दिए और आपने बोला कि दी एंड, मैंने तो अपना काम कर लिया, अब देख लो भाई तेरे, मेरे मन में, तुम्हारे दिमाग में, यदि मेरे मन में तुम बैठ पाते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो वी विल सी टू ईच अदर, हम एक दूसरे को देखेंगे. और जब आप उसे बुलाते हो समय के हिसाब से, जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है वर्ड्स को, तो आप याद करने की कोशिश करते हो, वर्ड आपको याद ही नहीं आते क्योंकि आप उनको समय समय पे रिफ्रेश नहीं कर रहे हो, समय समय पे आप उसको अपडेट नहीं कर रहे हो. समझ में आ रहा है? अब इसका फॉर्मूला क्या है? देखो, इसका फॉर्मूला ये है दोस्तों कि मैं कैट का ट्रेनर हूँ, 9 साल कैट के बच्चों को पढ़ाया है और उस दौरान मुझे एक मौका मिला एक सेशन करने का, एक सेमिनार अटेंड करने का एक मौका मिला. और ये मौका मिला जो है वो एक लिम्का बुक ऑफ करंट रिकॉर्ड होल्डर हैं जिनका नाम है आकाश गौतम, इनगर्व्ड द कंप्लीट एंटायर ऑक्सफोर्ड एट द एज ऑफ 16. 16 साल में उन्होंने पूरी एडवांस ऑक्सफोर्ड लर्न कर ली थी. वो हमारे यहाँ सेशन का सेमिनार लेने के लिए आए सीएल में, करी लॉन्चर में, और वो आए भाई साहब, तो उन्होंने सेशन लिया और बहुत ही जबरदस्त सेशन उनका हुआ. आई लव्ड इट, ही नेल्ड इट, ही किल्ड इट, ही नेल्ड इट एंड आई लव्ड इट लाइक एनीथिंग. मैं जल्दी किसी से इम्प्रेस नहीं होता और उनसे मैं हाईली इम्प्रेस था. तो हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर थे उनका नाम था कोई, ही वॉज फ्रॉम FMS BHU, नाम मुझे याद नहीं आ रहा इमीडिएटली उनका सर का. तो वो जो सर का जो 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 हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा कि आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद दिस जेंटलमैन.
मैं कुछ समय इनके साथ देना लेना चाहता हूँ इनका। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है तुम दोनों साथ में जाके लंच कर लो। लंच के लिए एक आदमी को उनको देना ही था साथ में, मतलब उनको स्कॉटिंग करनी थी, तो उन्होंने बोला कि आप चले जाओ उनके साथ लंच के लिए और आप बात भी कर लोगे अपने आप से। तो हम दोनों साथ में होटल में लंच करने के लिए गए और होटल में जब लंच करते करते मैंने उनसे काफी चीजें शेयर करी। मैंने बोला और मुझे ये खराब लगा कि ट्रेनर मैं हूँ, फैकल्टी मैं हूँ, पढ़ाता मैं हूँ बच्चों को। और होता है क्या है ना, जब आप जैसे मान लीजिए आप मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक, और आप मेरे स्टूडेंट हैं और मैं आपको सालों साल से पढ़ाता रहा हूँ, और सडनली कोई नया बंदा आ गया और उस नए बंदे ने मुझे भी अंदर से अनकंफर्टेबल कर दिया, तो आप तो डाउटफुली मुझे देखोगे, डाउटफुली देखोगे ना। आप क्या उम्मीद करते हो मेरे से? आप तो यही उम्मीद करते हो कि माय सर इज द बेस्ट है ना इन द वर्ल्ड, माय सर इज द मतलब ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ही इज द एक्सपर्ट ऑफ हिज फील्ड एंड ऑल, आप तो यही एक्सपेक्ट करते हो। तो वो जो दूसरे बच्चों को जिनको मैं पढ़ाता था उनके सामने मुझे बहुत अंदर से अनकंफर्टेबल लगने लगा। मुझे लगा यार कि मुझे आना चाहिए सब चीजें, मतलब आता था मुझे, ऐसा नहीं है, लेकिन उस लेवल का नहीं आता था जिस लेवल का उनको आता था। अब हर आदमी तो लिम्का बुका वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम तो दर्ज नहीं हो सकता ना, लेकिन जो चीजें आपको अंदर से हर्ट करती हैं, जो चीजें आपको अंदर से हर्ट करती हैं, वही चीज आपको अंदर से चैलेंज करती है। और जब आपसे कोई चीज चैलेंज करती है तब जाकर के पूरे मन से पूरे विश्वास के साथ आप अंदर से बाउंस बैक करते हो। क्या करते हो? बाउंस बैक। ठीक, तो हम लोगों ने साथ में खाना खाया और हमने उनसे पूछा कि आप बताइए सर हाउ डू यू डू सो, कैसे करते हो आप। और जब उन्होंने मेरे को बताया कि मैं ये काम बहुत पहले से कर रहा हूँ, बचपन के दिनों से कर रहा हूँ, है ना, मैं बहुत ही वास्ट, वास्ट मतलब होता है वोरेशियस, मैं बहुत ही वोरेशियस रीडर हूँ, मतलब वाइल्ड रीडर हूँ, है ना, हर तरह के क्लासिफाइड, हर तरह के सेक्शन, हर तरह के थीम बेस्ड चीज़ों को मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। राइटिंग में मेरा बड़ा अच्छा, मतलब एक अच्छा मेरे को लगता है राइटिंग पार्ट मेरे को अच्छा लगता है। और साथ ही उन्होंने कुछ टिप्स दिए बिगनर्स के लिए, है ना, टिप्स दिए, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। और उसमें मेरी भी कम एज थी, मेरी कम एज थी, और मैंने बताया भी था शायद आपसे कि मेरा करियर जो मैंने स्टार्ट किया था कायदे से, जो मैंने स्टार्ट किया था वो सिक्स स्टैंडर्ड से ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, ये आपको मैंने शायद पहले अपने सेशन में बताया हुआ है। तो जब उनका सेशन हो, जो उन्होंने मेरे को जो टिप्स दिए, तो मैंने सोचा कि आई शुड अप्लाई ऑन मी, मेरे को खुद के ऊपर अप्लाई करना चाहिए, और वो काम मैंने करना शुरू कर दिया। काफी दिन लगा मुझे, 9 साल लगा पूरे एडवांस ऑक्सफोर्ड को लर्न करने में, मुझे 9 साल लग गए टोटल। और वो 16 साल में उन्होंने लिम्का बुका वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया था, और ये काम मैंने जब हिट किया तो मुझे 28 साल हो गए, मतलब उनसे भी 12 साल आगे। बट मुझे इस बात की खुशी है कि उनके बताए हुए पद चिन्हों पर मैं चला और उसका मेरे को बहुत एडवांटेज मिला। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो सारी चीजें आपसे भी शेयर करूँ, और आपको पूरी एडवांस ऑक्सफोर्ड लर्न करने की कोई खास जरूरत नहीं है, कुछ तरीका है, कुछ टेक्निक है, थोड़ा थोड़ा करोगे उसको तो आपको उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आप धीरे 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 धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे, टाइम के साथ आप धीरे धीरे ग्रूम्ड हो जाओगे, तो आप अंदर से ना कॉन्फिडेंट हो जाओगे वर्ड्स को लेके, आपको कभी अंदर से अनईजी नहीं लगेगा, कोई भी चीज सुन करके ऑकवर्ड नहीं फील करोगे, ऑड नहीं फील करोगे। ठीक है, मेरी बातें अभी तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बोलो, मैं सुनूं, मैं बहुत देर से आपको सुना नहीं हूं तो मेरे को डर लग रहा है। आप सभी हो ना? यस सर। ठीक है, ओके, सुन रहे हैं आप सभी, है ना? यस सर। चलिए, वेरी गुड। एक मिनट, है ना, जस्ट 1 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं आपसे वो शेयर करने वाला हूँ कि सर ने मुझे क्या क्या बताया, तो मैं आपसे भी वो शेयर करूँ ताकि आप भी उस चीज को करें। तो याद होगा आपको बचपन के दिनों में तुम लोग एक कॉपी बनाते थे, उस कॉपी में क्या करते थे, उस कॉपी में ढेर सारा वर्ड तुम लिख लेते थे, याद है ना? और कॉपी में जब ढेर सारे वर्ड लिखते थे और फिर छोड़ देते थे उसको, फिर कुछ दिन बाद भूल भी जाते थे, तुमको खुद नहीं पता होता था कौन सा वर्ड कहाँ लिखा है, क्योंकि तुम उसको रिपीट तो करते नहीं थे, है ना? तो उन्होंने ये नई बात बताई, उन्होंने कहा कि आप A4 साइज की कॉपी ले लो और उसमें हर पेज पे 4 वर्ड लिखो, ऑन एवरी पेज यू शुड राइट जस्ट फोर वर्ड्स। ठीक है, कितने वर्ड्स? 4, नॉट मोर देन दैट। जैसे मान लो ये पेज है तो उसका पहला वर्ड यहाँ लिखा, दूसरा उसके बाद, तीसरा, मतलब काफी अच्छा गैप होना चाहिए, 4 to 5 lines का गैप होना चाहिए। और एक वर्ड जो लिखोगे उसका तुम्हें सिनोनिम लिखना है, और सिनोनिम कैसे लिखना है, इफ इट इज इंग्लिश वर्ड यू नीड टू राइट द सिनोनिम इन इंग्लिश,
एंड मेक वन क्रिएटिव सेंटेंस, मेक वन क्रिएटिव सेंटेंस बेस्ड ऑन दैट वर्ड मीनिंग. और ऐसे आपको चार वर्ड लिखने हैं, और कितने वर्ड डेली लिखने हैं, अप्रोक्सीमेटली 10. कितने वर्ड? 10. तो एक पेज हो गया, ये पेज हो गया, पेज का बैक हिस्सा अपसाइड डाउन, तो 4 + 4 हो गए 8, और दूसरा एक पेज का फर्स्ट आधा पेज कितने हो गए? 10. तो 10 वर्ड्स हमें डेली नोट करना है कॉपी में. नंबर वन, डेट मार्क कर देना है और लिखना है कि हमने वर्ड कहां से लिया है, ये वर्ड हमने कहां से उठाया है, वर्ड कहां से लेना है. अब ये वर्ड हम कहीं से भी ले सकते हैं. सपोज तुमने न्यूज़पेपर से ले लिया, सपोज तुमने होर्डिंग उठा लिया, पोस्टर उठा लिया, बैनर उठा लिया, पैम्पलेट उठा लिया, सपोज तुमने कोई मैगजीन पढ़ी है उसमें से ले लिया, आउटलुक में से ले लिया, इंडिया टुडे में से ले लिया. सपोज आपने कोई न्यूज चैनल देख रहे थे, आपने कोई मूवी देखी थी आपने, उसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड आपको लगा कि अच्छा है, नाइस वर्ड, क्वालिटी वर्ड है, उसको आपने नोट कर लिया. कुछ भी, कहीं से भी आपने किसी को थ्रू कुछ सुना है और आपको पता नहीं, आपने डिक्शनरी में देखा, आपने वो नोट कर, कहीं से भी आपने वर्ड उठा लिया, योर चॉइस. इंपॉर्टेंट इज टू नोट दोस 10 वर्ड. और डेली बेसिस पे हमको वर्ड जो लेना है, कभी नॉवल पढ़ रहे हो, नॉवल में से उठा लिया, और उसका टेक्सचर बदलते जाओ. जैसे खाना तुमको डेली मैं पनीर खिलाऊंगा, खाओगे क्या? नॉनवेज खाते हो और वही नॉनवेज तुमको मैं डेली दूंगा तो खाओगे क्या? नहीं खाओगे ना. टेस्ट चेंज करते रहना चाहिए. तो वर्ड कभी भी एक जगह से नहीं लेना चाहिए, नंबर वन. नंबर टू, कभी भी काम कोई भी करो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं शुरू से बोलता रहा हूं, मतलब आप शायद उस चीज को समझ नहीं पाए हो तो समझो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई भी चीज लाइफ में करनी हो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज का नाम है एनर्जी. क्या नाम है? ENERGY, एनर्जी. उसके मतलब एनर्जी को अदर वर्ड्स में तुम बोल सकते हो मोटिवेशन. यदि उसके लिए मोटिवेशन नहीं है तुम्हारे मन में तो वो काम कभी भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे. जैसे सोनू सूद को देख लो, बड़े पॉपुलर हो गए आजकल सोनू सूद साहब, है ना. सोनू सूद को बोलते हैं मतलब कि उन्होंने ही डिड वंडरफुल जॉब, ही असिस्टेड, कोऑपरेटेड, सपोर्टेड, है ना, मेनी पीपल टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. पीपल आर प्रेजिंग हिम अ लॉट, ब्लेसिंग्स, है ना, गिविंग ब्लेसिंग्स, एंड ओवरनाइट ही हैज बिकम अ सुपर हीरो, राइट. अ लॉट मेनी ऑफर्स आर कमिंग, मेनी पीपल आर अप्रोचिंग टू कम फॉर इंटरव्यू, है ना. एंड नाउ हिज मार्केट प्राइस गोज अप, है ना. मार्केट प्राइस, जितना पैसा उन्होंने खर्च किया होगा उतना सब वो मार्केट से अर्न कर लेंगे इनडायरेक्टली. तो दोस्तों समझो, किसी भी चीज को करने के लिए ताकत क्या है तुम्हारा? तुम्हारा खुद का जो सोचना है, मोटिवेशन जो तुम्हारा है, तुमने खुद के लिए कैरी किया है, तुमने खुद के लिए डेवलप किया है. इस ये यदि कम पड़ गया तो समझ लो अंदर से डेड हो जाओगे. तुम जैसे हमारे मेरे जैसे पता नहीं कितने तुमको ये सजेस्ट किया होगा ये करना चाहिए, लेकिन तुम एक दिन किया, तुमने दो दिन किया, बंद कर देते हो ना. क्यों बंद कर देते हो? क्योंकि तुम्हारे मन में उस चीज के प्रति अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, अपील खत्म हो जाता है, मोटिवेशन डेड हो जाता है, कंसिस्टेंसी तुम्हारी ब्रेक हो जाती है. और ये कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? बर्निंग फ्यूल टू फायर, मतलब वो फ्यूल टू फायर होना बहुत जरूरी है. अंदर से आप खुद को जगाए रखो, मतलब अंदर से जलते रहो उस चीज को करने के लिए. क्या मेरे को उसको करना ही करना है? नहीं हो जब तक वो चीज पूरी ना हो जाए. और ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, वन डे प्रोसेस नहीं है, लाइफ टाइम है. आदमी जब तक जिंदा रहता है कुछ ना कुछ सीखता रहता है. आपने उनका नाम सुना है? बहुत बड़े फेमस एक एडवोकेट है, अभी नो ही इज नो मोर. क्या नाम था उनका बताइए जरा, बड़े फेमस एडवोकेट का नाम बताइए. बालासुब्रमण्यम? नहीं, क्या नाम था उनका? बहुत ही पॉपुलर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट के. कोई नाम बताइए किसी एडवोकेट का जो बहुत ही पॉपुलर रहे हो अपने समय पे. हेलो, आप सब हैं क्या मेरे साथ जुड़े हुए? यस सर. नाम बताएं किसी पॉपुलर एडवोकेट का. मुझे लग रहा है कि बस मैं ही सोच रहा हूँ, आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है. हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते. सर पता नहीं है. हाँ तो ये बोलिए ना कोई. हाँ ना बोलिए तब तो अच्छा लगेगा ना, ऐसा लगेगा आप जुड़े हुए हो. मुझे लग रहा है कि मैं अंधेरे कमरे में मैं ही बस बैठा हूँ और मैं पंखे से बात कर रहा हूँ, दीवालों से बात कर रहा हूँ, पर्दे मेरे पीछे लगे मैं उनसे बात कर रहा हूँ. कुछ हाँ ना बोलने से क्या होता है, पता तो चलता है कि आदमी सोच क्या रहा है. उनका नाम सर बालासुब्रमण्यम था. नहीं, बालासुब्रमण्यम राइट. हाँ बालासुब्रमण्यम ही ऐसा कुछ नाम था. बालासुब्रमण्यम बहुत ही फेमस थे, मतलब एडवोकेट थे. उन्होंने आज तक जितने भी मतलब अपने हाथ में जितने भी केसेस लिए, ही वॉज द यंगेस्ट लॉयर इन अ कंट्री एट द एज ऑफ 13. आई सपोज ही हैड टाइटल्ड दैट नेम टू हिज फेवर.
सबसे यंगेस्ट एज के लॉयर लायर थे और 80 साल तक टोटल 80 इयर्स अपने करियर का उन्होंने एडवोकेसी उन्होंने किया. जज बनने का उनको कई बार ऑफर आया कि आप जज बन सकते हैं, यू आर सीनियर मोस्ट लॉयर. मुझे अभी भी नाम देखे कैच नहीं हो रहा है तुरंत से. वेणुगोपाल शर्मा नहीं, बाला सुब्रमण्यम. अच्छा नाम है उनका, बड़ा अच्छा नाम है. वही होता है ना शॉर्ट हाइट के. लेकिन लास्ट में मतलब उनकी डेथ के कुछ साल, अभी पिछले साल ही उनकी डेथ हुई है, उनके डेथ के कुछ ही साल पहले मतलब उन्होंने 2-3 केसेस लिए. वो केसेस मतलब वो केसेस वो बड़ा प्रॉपर स्टडी करके जाते थे और हमेशा ही मतलब जज भी बैठता था तो उसको पता होता था कि सामने एडवोकेसी कौन कर रहा है. यदि ये कर रहे हैं तो मतलब ये साहब तो इनके पास इतने फैक्ट्स होते हैं, इतने प्रॉपर तरीके से ये मतलब अपने पॉइंट्स को रखते हैं कि उनको ना चाहते हुए भी उनको डिसीजन उनके फेवर में देना पड़ता है. और इन्होंने आसाराम जी के लिए भी इन्होंने ही करा था, एडवोकेसी करी थी. और भी 2-3 ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मुझे नाम ही याद आ रहा है. तो मैं आपको बताना यही चाह रहा था कि शॉर्ट में मैं आपको बताना यही चाह रहा था. और हाँ, राम जेठमलानी, यस 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 यस, रामजी सिंह ने मुझे जवाब दे दिया. राम जेठमलानी, तो राम जेठमलानी ही हिमसेल्फ वॉज दी गॉड. हिमसेल्फ वॉज दी गॉड, यू कैन से. जैसे सचिन को बोलते हैं ना कि अपने फील्ड के वो गॉड है, उसी तरह से उनको भी इस तरह की एक टाइटल दे दी गई थी. कुछ लोग अपने फील्ड के बहुत मतलब महान हो जाते हैं, मतलब उनके नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाते हैं. तो वैसे राम जेठमलानी साहब थे. मतलब आप समझिए कि जब ये केसेस मतलब अपने जमाने की बात, मतलब भाई आज की बात नहीं कर रहा मैं, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ आपसे. 20 साल पहले जब ये कोई केस हैंडल लेते थे अपने हाथ में, तो केस लेने से पहले पार्टी से बात करने के समय पे, मतलब 20 साल पहले का तो आपको पता है मार्केट क्या था, पैसे की कीमत क्या थी, है ना. आज के समय के कंपेरिजन में भी आप 20 साल पहले के पैसे को टच करके देखें, कंपेयर करें, बहुत अंतर है दोनों में. आज का कुछ हजार रुपए और उस समय के लाख रुपए बराबर हुआ करते थे. इनफैक्ट मतलब अब तो कुछ लाख करोड़ के बराबर है, महंगाई का दर इस स्तर से बढ़ा है. तो राम जेठमलानी साहब जो है, लोग बोरे में पैसा लेके जाते थे, झोले में पैसा लेके जाते थे, और वो केस बोलते थे कि नाउ यू टेल योर केस. पीपल वर यूज्ड टू टेलिंग अबाउट अ केस इफ यू वॉज लाइकली टू गेट सम मोर एविडेंसेस, सम मोर ड्राफ्ट फ्रॉम योर साइड, इफ यू वॉन्ट टू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन. तो यदि आप कुछ और भी कहना चाहते हैं, इफ यू आर सपोज टू लाइक शेयर मोर एंड अबाउट समथिंग, तो देन हर मिनट के हिसाब से आपको पैसा टेबल पे रखते रहना होता था. 10 मिनट का मतलब इतने पैसे आप लोड करते जाइए और बात करते जाइए आप, इफ इट इज रिक्वायर्ड. इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, यू पेड योर अमाउंट ऑन टेबल एंड माई सपोर्टिंग स्टाफ विल सी इन टू इट वॉट अदर एविडेंसेज वी रिक्वायर्ड, वॉट अदर एफिडेविट, वॉट अदर थिंग्स आर नीडेड. Will contact you and you may go now. Then second party will come. Well, every day, 2 hours in morning and 2 hours in evening, this was his sitting. This was a sitting through which he make business, and that business was incredible business. मतलब उनका मानना था, उस जमाने में उनका मानना था कम से कम गिरी हालत में एक आदमी से 1 लाख रुपए लेना. और आज का 1 लाख मतलब उस समय का 1 लाख रुपए और आज के करोड़ रुपए के बराबर है. 100 गुना महंगाई बढ़ चुकी है, right? बाद में वो अपने आप में एक हस्ताक्षर हो गए. तो आदमी की पर्सनैलिटी लाइफ में कुछ ऐसी ही बननी चाहिए, जो जिस फील्ड का मास्टर हो वो उस फील्ड का वन एंड ऑनली होना चाहिए. मतलब ऐसा संभव नहीं है, वन एंड ऑनली तो संभव नहीं है, लेकिन अपना अपने अपना बेस्ट होना चाहिए उसको. मेरी किसी मैडम ने सिखाया था कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, जैसे लोग क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करो. जिन लोगों को गाना सुनना पसंद है, देखो 99% लोगों को गाना सुनना पसंद है, मतलब मैं तो कहता हूँ 100% लोगों को गाना सुनना पसंद है. तो मेरी बात करो, सर आपको पसंद है कि नहीं, मैं बोलूंगा पसंद है. तुमको पूछू, तुम भी बोलोगे पसंद है. और कैसा पसंद है गाना, तो तुम बोलोगे सर मेरे को मूड के हिसाब से पसंद होता है, जब मेरा जैसा मूड होता है वैसा गाना सुनना पसंद है. लेकिन गाना गाने वाले का जो है, यदि पूछो कि कितने लोगों को पसंद है, बहुत कम. ज्यादातर लोग मजाक वजाक में बोलते हैं सर मैं बाथरूम सिंगर हूँ. अरे बाथरूम सिंगर क्यों भैया, जब तुमको सुनना पसंद है इसका मतलब किसी की आवाज पसंद करते हो ना, तो कोशिश भी कर सकते हो एक बार. भले ही तुम्हारी आवाज चाहे सुरीली हो या तुम्हारे पास बेसुरी हो, जैसे भी हो, बट कोशिश कभी की क्या आपने इस काम को करने की? आप देखिएगा हिंदुस्तान में आपको देखने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, लेकिन उस फील्ड को करने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे. आजकल ज्यादातर जो एडवेंचर दिखाया जाता है वो मूवी पे देख के आदमी एडवेंचरस मूवीज पसंद करता है. पर्सनल लाइफ में उसको पूछो कितने एडवेंचरस हो आप, कितनी चीजें आपने अपने लाइफ में आज तक करी है, वो एक भी जवाब नहीं दे पाएगा. पूछो कितनी ट्रैकिंग करी है आपने, कितने बंजी ड्राइव किए, कितने रोलर कॉस्टिंग्स करी है आपने,
जवाब आएगा निल, ना नल, ब्लैंक। फिटनेस की बात चलिए छोड़िए, यानी ये अलग ही एक मुद्दा है, दिस इज अ डिफरेंट टॉक। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सर वो वोकैबुलरी की केस में आपने ये कहा था कि पहला तो काम कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपने कहा था कि एनर्जी मतलब मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, और वो डिसिप्लिन अप्रोच होना चाहिए। डिसिप्लिन अप्रोच का मतलब जो काम कर रहे हो उस काम को समझो, ये काम क्यों जो करना जरूरी है, इसको कैसे करना है, और उस चीज को फिर लगातार उस मोटिवेशन के साथ लगातार उसको कुछ दिन तक लगातार करते रहो। ये नहीं कि दो दिन करा और खुद को चेक करना स्टार्ट कर दिया कि देखा इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। दो दिन में तुम्हारी बॉडी नहीं बनती, दो दिन में तुम्हारे पूरे साल का रिजल्ट नहीं आता, दस दिन में पूरे साल का रिजल्ट नहीं आता, उसको कुछ महीने करना पड़ेगा तब तुमको उसका आउटपुट मिलेगा, तब तुम उसको खुद को एनालिसिस कर पाओगे कि पहले क्या था और अब क्या है, दोनों में डिफरेंसेस कहाँ है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सर वो आपने कहा था कि कोई कॉपी बनानी है और उसमें हमें 4-4-2 मतलब कुल मिलाकर हमें टोटल ऐसे 10 वर्ड डेली लिखना है और अलग अलग जगह से लिखना है, एक जगह से कभी भी नहीं लिखना है ताकि हमारा टेस्ट बना रहे। ठीक, वर्ड्स चाहे जैसे भी हो डज नॉट मैटर, इंपॉर्टेंट इज टू नोट, ताकि हम खुद को अनुशासित रूप से उस चीज में कंफ्यूगर कर पाए, मतलब उस रूटीन में हम डेवलप कर पाए खुद। ठीक है, तो एक हो गई ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने सर ये बता दिया कि ये करना है, अब आप हमको ये बताइए कि इंप्रूव कैसे करते हैं वोकैबुलरी, इंप्रूव करने का क्या तरीका है। इंप्रूव करने के कई तरीके हैं, पहला तो एक बात और, आजकल के जो क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं उसमें पहले उसका मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मेट बता दूं, उसका फॉर्मेट ये होता है वर्ड मीनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सबसे पहले तो एक ऊपर में डायरेक्शन लिखा होता है जिसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन ये लिखा रहता है कि एक वर्ड दिया है, वर्ड के पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है, यूनिट टू क्लिक, यूनिट टू टिक, पुट टिक मार्क टू वन ऑप्शन विच इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ दिस गिवन वर्ड, या फार अवे मीनिंग ऑफ दिस गिवन वर्ड। ठीक, या फार अवे मतलब, फार अवे मतलब दूर होता है, तो इसका मतलब एंटोनिम की बात हो रही है। ठीक है, एंटोनिम, इसको हिंदी में क्या बोलते हो, विलोम। अब यदि मैंने बोला नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब क्या होता है, सिमिलर, सिमिलर मतलब क्या होता है, सिनोनिम, सिनोनिम मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। अब इसे कंफ्यूज मत होना, है ना, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक, ये हो गया एक चीज। दूसरा, कभी मान लो यदि मेन वर्ड जो तुम्हारा ऊपर का वर्ड है, जैसे मैंने एक वर्ड दे दिया मेटामॉर्फोसिस, एक वर्ड दे दिया, क्या दे दिया, मेटामॉर्फोसिस। अब तुम्हें पता नहीं मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है। ठीक, अब मेटामॉर्फोसिस के लिए मैं तुम्हें 5 ऑप्शन दूं और वो 5 ऑप्शन बहुत इजी इजी ऑप्शन दे दूं, एग्जांपल बहुत ही इजी इजी ऑप्शन दे दूं, तो इजी देने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हें मेन वर्ड का मतलब ही नहीं पता, तो तुम खोजोगे कैसे। और दूसरा तरीका ये है कि जो मेन वर्ड है वो मैंने थोड़ा आसान वर्ड दे दिया, जैसे एग्जाम्पल SAD, सैड। सैड मतलब क्या होता है, दुखी, तुमको पता है सैड का मतलब क्या है, दुखी। अब मैंने जो तुम्हारे पास ऑप्शन रखा वो सारे ऑप्शंस मैंने बहुत डिफिकल्ट कर दिए, तब भी तुम्हारे साथ सेम प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तब भी तुम आंसर देने में अनकंफर्टेबल फील करोगे। ठीक, एक तीसरा ऑप्शन, मैंने मेन वर्ड को इजी कर दिया और जो तुम्हारे ऑप्शंस 5 हैं या 4 हैं उसमें से मैंने 2 को इजी कर दिया, 2 को डिफिकल्ट कर दिया, हर कंडीशन में तुम्हारे साथ डाउटफुल स्टेटस बना रहेगा, जिसको बोलते हैं डिलेमा बना रहेगा, एम्बिग्यूटी बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी, ambiguity मतलब doubtful, doubtful means skeptic, skeptic का मतलब questionable होंगे, questionable मतलब जहां पे चीजें unsured होंगी, uncertain होंगी। ठीक, जिसको ambivalent भी कहते हो, क्या बोलते हो, ambivalent, ambivalent, ambivalent। देखो 5 वर्ड मैंने तुम्हें भी सिखाए हैं, 5 वर्ड्स। अब हमारा एक दिमाग, जो हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन की एक फतूर है, फतूर समझते हो, हिंदी का वर्ड है फतूर, कि हमको जो सबसे आसान लगता है ना वो हम सीख लेते हैं या सीखना चाहते हैं, जहां थोड़ा सा भी डिफिकल्ट, जैसे पंकज संघ सर ने अभी बोला एम्बिग्यूटी, अच्छा यार एम्बिग्यूटी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है सीख लेते हैं, चलो आपने मेरी रिस्पेक्ट करते हुए सुन तो लिया, फिर मैंने बोला लास्ट में पता नहीं कुछ बोले थे, अच्छे आदमी है, अच्छा ही बोले होंगे, है ना, क्या बोला था, वो एम्बिवेलेंट बोल रहे थे, पता नहीं कुछ एम्बिवेलेंट कह रहे थे, और फिर बीच में स्केप्टिज्म क्या बोले थे, स्केप्टिज्म बोले थे, अच्छा डाउटफुल, हाँ बता तो रहे थे वो डाउटफुल, सबसे आसान वर्ड है ना, भगवान उनका भला करे। तो जो सबसे आसान वर्ड है वो हम ले लेके दिमाग में सेट कर लिया, इजी वर्ड हम बोलना, मतलब डिफिकल्ट वर्ड हम बोलना पसंद नहीं करते। अब तुम अपने दोस्त को देख करके यदि चेहरा फेर लो तो क्या वो दोस्त तुम्हें पसंद करेगा, ये बताओ, नहीं करेगा ना। तो उसी तरह से तुम शब्दों को इज्जत दो तो शब्द भी तुम्हें इज्जत देंगे। डिफिकल्ट वर्ड तुम्हारे सामने यदि आता है और उसकी प्रोनंसिएशन
में तुम्हें कोई बताता है सिखाता है ये इसकी प्रोनंसिएशन है, तो हमें उसको आदर पूर्ण तरीके से मतलब रिस्पेक्टफुल तरीके से बोलना सीखना चाहिए, ना कि उससे दूरी बनाना चाहिए। समझ आ रहा है? उसको बोलना सीखने के प्रयास करना चाहिए, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इसको कैसे बोलते हैं, मतलब सीखोगे तभी तो चीजें आएंगी, नहीं सीखना चाहोगे तो फिर तो भूल ही जाओ फिर तो आप। अब जैसे वेटरन क्लास बोलते हैं, वेटरन का मतलब लड़कों को भी नहीं पता क्या होता है, सफोस्टिकेटेड बोला जाता है, सफोस्टिकेटेड आपको पता है सफोस्टिकेटेड मतलब, मैंने बोला वर्ल्ड क्लास, अच्छा वर्ल्ड का स्टैंडर्ड मोस्ट, हाँ स्टैंडर्ड मोस्ट पता है, मतलब एक्सपीरियंस वर्ल्ड, हाँ एक्सपीरियंस तो एकदम ही अच्छे से पता है सर, लेकिन जो पहला वाला वर्ड बोला था वो नहीं पता था ना। अब मैंने बोला प्रोफाउंड रिगार्ड्स, ये क्या बोला सर आपने, मैंने बोला मैंने प्रोफाउंड रिगार्ड्स बोला, हाँ सर सुना है मैंने रिगार्ड सुना है, अरे मैंने कहा मैंने वो नहीं बोला है, मैंने बोला प्रोफाउंड रिगार्ड सुना है, अच्छा ही बोला होगा आपने, आप आदमी अच्छे हैं तो अच्छा ही बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, है ना, समझ रहे हो आप? तो आप जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उससे आप अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो, और जिस चीज से आप अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो वो चीज आप तक कब तक अट्रैक्ट करेगी आप बताओ? ठीक है, इसीलिए मैंने शुरू में तुमसे क्या कहा था, मोटिवेशन बनाए रखना जरूरी है, मोटिवेशन बहुत ही ग्रेट लेवल का होना चाहिए, क्योंकि अभी समय बदलेगा, समय क्या बदलेगा, हो सकता है कि जो तुमको मैंने सिखाया कि यार मीनिंग अपनी इंप्रूव करो, कैब इंप्रूव करो, तुम्हारे पास कोई नया काम आ जाएगा, एक हो सकता है नया काम क्या हो, ये काम कल तक करना जरूरी है, अरे ठीक है जरूरी है, तो सांस लेना बंद कर दोगे क्या, खाना खाना बंद कर दोगे, रूटीन के जो काम है बंद कर दोगे, सोना बंद कर दोगे, आखिर सारे काम 19-20 करते हो ना मिला के, उसको भी टाइम दो, उसको भी अपने काम, उसको भी अपनी लाइफ का रूटीन मान लो कि मेरे लिए 10 मिनट वो जरूरी है। आदमी जो जिम करता है वो क्या सोच के करता है, यही करता है ना, जो लोग नहीं कर पाते उनका बॉडी कैसा हो जाता है, मेरे जैसा हो जाता है, जो लोग जिम नहीं कर पाते उनकी बॉडी टाइप कैसे हो जाती है, मेरे जैसे बुढ़े हो जाते हैं वो लोग। मेरा कहने का मतलब हर चीज के अंदर एक रूटीन आना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको प्रेफरेंस खुद सेट करना पड़ेगा, उसके लिए कोई दूसरा आदमी प्रेफरेंस नहीं सेट करेगा, 24 घंटे के 25 घंटे दोस्त नहीं हो सकते जान लो, और आज तक तुम्हारी लाइफ में जो तुम करना चाहते थे और जो तुम अभी भी नहीं कर पाए हो उसका मुख्य कारण पता है क्या है, तुम्हारी उदासीनता। क्या है उसका मुख्य कारण, तुम्हारी उदासीनता, तुमको लगता था बाद में कर लेंगे, तब कर लेंगे, अब कर लेंगे, और समय कभी नहीं आ जानते हो, जैसे तुम नौकरी करोगे, पहले एक बार मेरे को कंफर्म करो तुम मेरे को सुन रहे हो, सुन रहे हो अच्छे से, हेलो सुन रहे हो आप मेरे को? यस सर, यस सर, यस सर, गुड गुड गुड, मेरे को पता चल गया, सुन रहे हो। जिस दिन तुम नौकरी करोगे ना, याद रखना मेरी बात का, तुम्हारा परिवार का बैकग्राउंड चाहे जैसा भी हो, आप अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो या आप एवरेज से हो या आप जैसे भी हो, नौकरी करने के बाद तो बचा कुचा जो तुमको लगता है कि तुम्हारे पास जो चांस है वो भी नहीं रहेगा। ये इसीलिए लड़के जो आईआईटी जेई के जो लड़के होते हैं ना, आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हैं लड़के आज की डेट में, आपने कभी सुना है कुछ लड़कों को कि कई बार कई लड़के जो है आईआईटी का उनको जॉब ऑफर आता है, अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, 25 लाख 30 लाख का पैकेज मिलता है, ज्वाइन नहीं करते हो। उनका मानना है कि यदि हम लोग अभी जो पढ़ाई कर सकते हैं, नौकरी में आने के बाद वो चांस है, स्कोप नहीं रह जाएगा नया पढ़ने का कुछ करने का, इसलिए वो मालूम है वो पढ़ाई करके कैट वेट देते हैं, कैट करने के बाद आईएमएम चले जाते हैं और टेक्निकल डिग्री ले लेते हैं, आईएम से जाकर के मैनेजर डिग्री ले लेते हैं, और उसके बाद वही कीमत उनकी 50 लाख हो जाती है। 2 साल में वो जो 20 लाख रुपए उनको मिल रहा था, वो 20 लाख का 50 लाख उनको प्रमोट होकर नहीं मिलता, लेकिन उनको अब डायरेक्ट 50 लाख रुपए मिल रहा है। और बड़ी कंपनी में भी मल्टीनेशनल किसी यूएसएस की कंपनी में पहुंच गए तो वो 75 लाख करोड़ रुपए, आपको तो पता है, आपको तो पता है कि जो अच्छी अच्छी कंपनीज के जो सीईओज होते हैं, अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं, उनको पैकेज पैकेज इज नॉट अ कॉन्स्टेंट फॉर दोज डिजर्विंग पीपल। टैग लगाया ना उसके नाम के आगे, 4 आई लगा हुआ है, 2 IIT का आई लगा है और 2 IIM का आई लगा है, तो उसके नाम की क्रेडिबिलिटी वही है। चेतन भगत को देख लो, उसके नाम की क्रेडिबिलिटी वही है। जब मैं भोपाल मध्य प्रदेश में पहली बार आया था, तो मैं लोग नहीं जानते थे मुझे, क्योंकि मैं तो कर्मभूमि, मेरी बनारस थी, वाराणसी मेरी कर्मभूमि थी, मैं एक्सपीरियंस्ड आदमी था, मेहनत करके आया था, काफी कुछ सीखा हुआ था पहले से, लेकिन भोपाल मेरे लिए बहुत ही नया जगह था, आई वॉज एब्सोल्युटली अननोन टू भोपाल। मेरे को भी नौकरी चाहिए थी, मेरे को भी जॉब चाहिए थी, समझ रहे हैं आप? और जब मैं पहली बार जहाँ गया था तो मुझे याद है उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको डेमो देना पड़ेगा। क्या बोला था, क्या बोला था? डेमो देना पड़ेगा। सुन रहे हैं आप लोग? हेलो, कि डेमो देना पड़ेगा। जिंदगी भर जिस काम को किया है और वही काम आपको दोबारा कहा जाए कि डेमो देना पड़ेगा, तो खुद पे हंसी आ गई मेरे को, मेरे को खुद के ऊपर हंसी आ गई कि आज भी खुद को प्रूफ करना पड़ेगा, है ना भाई? आप कोई नौसिखिए होते, आप कोई फ्रेशर होते और वो काम कहता, तो आपको किसी को बुरा नहीं लगता,
लेकिन जिस काम को आपने पता नहीं कितने सालों से करते आ रहे हैं और वही काम आपको आज कोई कहे कि आपको डेमो देना पड़ेगा या प्रूफ करने के लिए कि आप ये काम करने के लिए काबिल हैं। और लोग पूछते थे कि आप कौन से शहर के हैं या कहाँ से आते, कहाँ से आए हैं आप, तो मैं बोलता था आई एम फ्रॉम वाराणसी। तो कुछ लोग वाराणसी को ना समझते ही नहीं थे वाराणसी क्या है, उनको लगता था बनारस, अच्छा क्या कहाँ बनारस, बिहार। मैंने कहा नहीं, बिहार तो अपना, बिहार भी एक बहुत अच्छी जगह है और एक बनारस है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अभी मोदी साहब कुछ सालों पहले जो है मोदी साहब उस जगह के मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उसका कंस्टिट्यूशन, उनका कंस्टिट्यूशन, वो कंस्टिट्यूएंसी उनकी होने की वजह से अब उसका थोड़ा सा मार्केट कैप और बढ़ गया है, मार्केट कैप। उस समय तो जोशी जी हुआ करते थे, तो जब मैं उनको बोलता था तो बनारस समझते नहीं थे लोग, लेकिन जैसे मैं बोलता था मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू का प्रोडक्ट हूँ, तो बीएचयू को सब रिकग्नाइज करते थे। या मैं बोलता था मैंने अपना एमबीए एफएमएस दिल्ली से किया है, अरे तो ये बात अटैक करती थी उनको, समझ रहे हैं आप, अटैक करते, अच्छा अच्छा बैठिए 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 सुन रहे हैं। दोस्तों अपने जीवन के अंदर एक ऐसी डिग्री जरूर लेनी चाहिए जिससे तुम्हारी मार्केट कैपिंग हो। क्या हो? मार्केट कैपिंग, मार्केट कैपिंग। आज तुम किसी भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ लो, बाहर में जाओगे कोई नहीं पूछेगा कौन से कॉलेज के हो, ओरिएंटल के हो कि सागर के हो कि एक्स कॉलेज के हो, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, तुमसे सब काम के बारे में बात करेंगे। और या तो हो तो बड़ा नाम होना चाहिए जिसको दुनिया जानती हो, मतलब एटलीस्ट हमारा भारतवर्ष में तो वो जाना ही जाता हो, समझ गए। एक ऐसी डिग्री होनी चाहिए मेरे पर्सनल हिसाब से, ऐसे होनी चाहिए, नहीं है तो फिर अपने आप को काबिल, अपने आप को इतना काबिल बना लो डिग्री की जरूरत ही नहीं पड़े, आप स्वयं अपने आप में चलता फिरता एक हस्ताक्षर हो, आप स्वयं में चलते फिरते एक हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। तो हाँ, मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा था अबाउट मी, तो वही हुआ और ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने के आसपास लगा, 6 महीने में तो बहुत सब कुछ ऑल सेट। तो आप जानिए कि आपने जो चीजें आप खुद में क्रिएट करते हैं लाइफ टाइम, आपका दोस्त आपको छोड़ के चला जाएगा, लेकिन जो आपने खुद के अंदर जो काबिलियत डेवलप करी है वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देंगे, ठीक है। और ये दोस्त बोलते हैं ना जो तेरा है सो मेरा है, जो मेरा है सो तेरा है, ये सब बकवास की चीजें हैं, सब बकवासबाजी है, ये सब फिल्मी वर्ल्ड में अच्छा लगता है सुनने में, जो तेरा है सो मेरा है। आपके दोस्त की सारी चीजें आपकी हैं, दोस्ती यारी में आप भले ही उसके साथ बैठ के खाना खा लो, लेकिन हर चीज उसकी आपकी है क्या? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो आप तो बोलो कि जो तेरा है सो तेरा है और जो मेरा है सो मेरा है, ठीक है। मेरिट्स फॉर माई सेल्फ, मेरिट्स फॉर माई सेल्फ, मेरिट्स फॉर माई सेल्फ, इसको रोज सुबह उठ के जगाना चाहिए खुद को, मेरिट्स फॉर माई सेल्फ लिखना चाहिए और बोलना चाहिए कि जो मैंने अपनी जिंदगी में खुद में क्रिएट किया, भले ही मेरे को वो चीज प्राप्त हो ना हो, लेकिन ये चीज मेरे जिंदगी भर मेरा साथ देंगी। चलिए अपनी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो मैं अभी वोकैबुलरी के ऊपर हम बात कर रहे थे और मैं आपको लास्ट अभी जो बता रहा था उसमें ये कह रहा था कि भाई आपको किस तरह से चीजों को डेवलप या होना पे, कैसे एनहांस करना चाहिए, अपलिफ्ट करना से कैसे चाहिए आपको, इसके स्ट्रेथन कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर मैं आपसे बात कर रहा था। ठीक ठीक है, एक मिनट। तो मैं आपसे क्वेश्चन फॉर्मेट के ऊपर डिस्कस कर रहा था, मुझे याद है क्वेश्चन फॉर्मेट। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि भाई क्वेश्चन मतलब आता है तो आता है, नहीं आता मतलब नहीं आता, उसमें कुछ खेल नहीं खेल सकते हम लोग। प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट वर्ड है, डायरेक्ट वर्ड के साथ आप क्या करोगे, सेंटेंस के फॉर्म में होता तो उसका कॉन्टेक्स्टुअल मतलब समझ के हम कुछ बता देते, सेंटेंस के फॉर्म में होता। जैसे मान लीजिए मैंने कहा इन ओल्डन डेज पीपल वर यूजिंग सुपर नॉटेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मेरे वीडियो से प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं वीडियो अपनी ऑफ करूं, बताएं, मैं अपनी वीडियो ऑफ करूं क्या? जी अच्छा ठीक। तो मैंने बोला सुपर नॉटेड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सुपर नॉटेड का सेंस होता है बच्चों, अब बोलने से लग रहा है सुपर नॉटेड मतलब ट्रेडिशनल, कॉन्वेक्शनल, ओल्डन मतलब जो पहले पहले पास्ट ईयर्स में जो हम लोग यूज करते थे, बुलक कार्ट यूज करते थे, घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते थे, है ना, घोड़ा गाड़ी, ठीक है। तो सुपर नॉटेड का मतलब ओल्डन, कॉन्वेक्शनल, ट्रेडिशनल, राइट। जैसे अभी सर एक आपने वर्ड आपने बोला था उसकी मीनिंग आपने नहीं बताई, आपने पॉल्ट्री का मतलब तो बता दिया था, पॉल्ट्री मतलब होता है इजी, आपने एक और वर्ड बोला था, आपने बोला था अपेरेंटली बोला था। तो सेंटेंस मान लो यदि मैं इस वर्ड को सेंटेंस में इस्तेमाल करूं, मैंने बोला सेंटेंस में मैंने बोला इट इज ऑब्वियस दैट माई फादर इज डूइंग
माय फादर इज अपेरेंटली डूइंग अ जॉब ऑफ एक्स, मतलब इट इज अपेरेंटली डिफाइंड दैट, इट इज अपेरेंटली डिफाइंड दैट माय फादर इज डूइंग अ जॉब ऑफ एक्स, मतलब ये बात अपेरेंटली डिफाइंड है कि मेरे पिताजी ये काम करते हैं. अपेरेंटली मतलब ऑब्वियसली होता है, अपेरेंटली मतलब ऑब्वियसली, ठीक, ऑफ कोर्स कह सकते हो उसको, ऑफ कोर्स, ठीक है. अब जैसे मान लो थी मैंने तुमसे कहा मंडन, मंडन, एम यू एन डी एन, मंडन, मंडन का अपोजिट क्या होता है? अब सर मंडन का अपोजिट कैसे बताएं सर, मंडन का मतलब ही नहीं पता तब कैसे बताएं इसका अपोजिट क्या होता है. मैंने बोला मंडन का अपोजिट होता है क्रिप्टिक, क्रिप्टिक है ना, सी आर वाई पी टी आई सी, क्रिप्टिक. लड़का बोला है सर पहले ये तो बताओ क्रिप्टिक क्या होता है, मंडन क्या होता है, तब तो समझ में आएगा. घुमा फिरा के बात समझ में आ रहा है ना आपको, जब आता है तो आता है, नहीं आता मतलब नहीं आता, इसमें कोई गेम नहीं खेल सकते हम, ठीक. और हम लोग जितने भी फॉर्मेट मैंने बताए हैं वो सभी, आजकल एक और नया फॉर्मेट चला है, इसको लोग बोलते हैं क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट, सी एल ओ जेड ई, क्लोज टेस्ट है ना, जिसमें स्पेलिंग सिमिलर लगती है, जिसको हम लोग पैरोनिम होमोनिम्स में भी सीखते हैं, जैसे कॉन्फिडेंट है सी यू एन एफ आई डी एन टी, और एक है सी यू एन एफ आई डी एन सी, कॉन्फिडेंस. एक तो कॉन्फिडेंस हम और आप जो बोलते हैं कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ को बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस. एक होता है सी यू एन एफ आई डी ए एन टी, कॉन्फिडेंट, उसका मतलब रिलायबल, उसका मतलब क्या होता है, रिलायबल, सेल्फ कॉन्फिडेंट, मतलब यू आर माई कॉन्फिडेंट, मतलब यू आर माई रिलायबल, यू आर माई ट्रस्ट वर्थी, ठीक है, यू आर माई प्रोमिसिंग मैन, मतलब आप मेरे, मतलब मेरे विश्वास पात्र हैं, आप भरोसे के आदमी हैं, कॉन्फिडेंट. जैसे आप वो ए डबल एफ ई सी टी बोलते हो, ई डबल एफ ई सी टी बोलते हो, जैसे एल आई डी बोलते हो, एल ई डी बोलते हो, एल ई ए डी बोलते हो, जैसे आप राइट बोलते हो, डब्ल्यू आर आई टी, और एक होता है आर आई जी एच टी वाला, और एक होता है आर आई टी वाला, राइट है ना, ऐसे ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं, ठीक है. तो सभी के अलग अलग थोड़े थोड़े उसके कॉन्टेक्स्टुअल, उसकी मीनिंग, वर्ड्स स्पेलिंग चेंज होगी, उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, कुछ में स्पेलिंग सेम होगी, जैसे क्रिकेट, क्रिकेट है, स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है दोनों, एक का मतलब वो बैट बॉल वाला, एक का मतलब इंसेक्ट वाला क्रिकेट, जैसे बैट है, बैट का भी सेम होता है, ठीक है. तो ऐसी चीजों, अब जैसे एग्जाम्पल सर, मतलब कुल मिला के आप शॉर्ट में ये कहना चाह रहे हैं, आप, आपका जो हम लोग जितना अभी आपको सुन पाए हैं, जितने देर से सुन रहे हैं, लगभग 50 मिनट से आप मुझे सुन रहे हैं, तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि पहले तो वर्ड्स की तरफ हमारा रुझान ज्यादा होना चाहिए, नंबर वन. आपने नेक्स्ट एक बात और आपने ये बोली कि हमें कोई डिफिकल्ट वर्ड को सुन करके अनकंफर्टेबल फील नहीं करना चाहिए, उसको प्रयास करना चाहिए, उसका सही प्रोनाउंसिएशन हम सीखें, अनकॉमन वर्ड्स भी सीखें, इसका मतलब है अनकॉमन वर्ड्स भी सीखें, जनरल वर्ड्स तो हम सीख ही रहे हैं, स्टैंडर्ड वर्ड भी सीखे रहे हैं, कुछ अनकॉमन वर्ड्स भी सीखे, ठीक. साथ में सर आपने ये कहा कि हमें एक प्रैक्टिस, डिसिप्लिन तरीके से प्रैक्टिस में आने के लिए हमें कॉपी फ्रेम कर लेनी चाहिए, जिसमें आपने कहा रोज 10 वर्ड ड्रॉ करना है, 10 वर्ड जब ड्रॉ करना है तो डेट मेंशन करके करना है, और जो फॉर्मेट आपने बताया कि एक वर्ड लिख के 4 लाइन का गैप होना चाहिए, वर्ड लिखा, वर्ड की मीनिंग लिखी, उसका एक सेंटेंस आपने ड्राफ्ट किया. और आपने ये भी कहा कि सर जो वर्ड है वो हमेशा अलग अलग टेस्ट, अलग अलग फ्लेयर का, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, ताकि हमारा वो मोटिवेशन बना रहे. सर ये वाली बात ना थोड़ी कुछ और समझाइए ना इसमें, कुछ और थोड़ा एक लाइन और ऐड कर दीजिए ना. जैसे मैंने कहा देखो गाड़ियां हैं, अब गाड़ियों के बहुत से नाम है, हर गाड़ी का कोई मतलब होता है ऐसा नहीं, हर गाड़ी के नाम का कोई मतलब ही होता है, लेकिन कई ऐसी गाड़ियां जिसका मतलब इंग्लिश में होता है, जैसे पैशन है, स्प्लेंडर है, सफारी है, यूनिकॉर्न है ना, इसका तो अपना कुछ सेंस होता है ना, उसको चाहो तो लिख सकते हो. जैसे जैसे मेल पीपल के लिए यूज क्या होता है, जैसे मेल पीपल और फीमेल पीपल दोनों के लिए अलग अलग यूज होता है ना, जैसे मेल के लिए यूज होता है जैसे मैंने कहा एक्मे, एक्मे निच, निच फैशन डिजाइनर, एक्मे यू आर ना एक्मे फैशन डिजाइनर, निच फैशन डिजाइनर, व्हाट मींस एक्मे और निच, दोनों का मतलब इतना टॉप क्लास होता है. जैसे मैंने बोला यू आर एंग्स्ट गर्ल, एंग्स्ट गर्ल का मतलब क्या होता है, आप मतलब बहुत ही फ्यूरियस हैं, आप फ्यूरियस मतलब एजिटेटेड है, एजिटेटेड का मतलब आप जिसमें आप में रेजेस बहुत आते हैं, रेजेस का मतलब व्रेथ जिसमें बहुत आता है, व्रेथ का मतलब जिसमें एंगर साइन बहुत आती है, एंगर पहले बोल देना चाहिए था ना सर, इतना घुमा घुमा के क्यों बताते हो आप, इसलिए बता रहा हूँ ताकि सही सीखो, ताकि इस बात को सीखो, एक ही चीज को बताने के कई अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, ठीक है. जैसे जैसे तुमने कहा एक और तरीका हो सकता है सीखने का, एक तरीका ये हो सकता है कुछ नई चीजें नए प्रकार से सीखो. जैसे आपको पता है, मैंने बताया होगा आपको, हर साल एक वर्ड चुना जाता है जिसको वर्ड ऑफ द ईयर कहा जाता है ना, तो 2016 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या था, 17 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या था, 18 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या था, 19 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या था, वो सीखो है ना. वर्ड ऑफ द ईयर गूगल पे टाइप करो, वर्ड ऑफ द ईयर है ना, वर्ड ऑफ द ईयर 2019, यू गेट टू नो क्या था, ठीक.
जैसे ओमनी सैम्बल्स जो 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर था, ओमनी मतलब क्या होता है, ओमनी मतलब होता है बिग, सैम्बल्स मतलब होता है डिस्क्रीटेड. तो वर्ल्ड लेवल पे जो डिस्क्रीशन था वो किसके बीच में था, ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में था. ये प्रेसिडेंशियल दोनों की जब कैंडिडेट्स की फाइट हो रही थी उस समय ये वर्ड निकल के बाहर आया था गूगल से, ओमनी सैम्बल्स, ओमनी सैम्बल्स. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये भगवान राम की कथा हो रही है, समझ में आ रहा है ना सभी को बच्चों? यस सर. हेलो, और लोग भी हैं क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ बोल भी दिया करो कभी कभी आप लोग. चलो नाइस, हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छे, मतलब सब जगे हुए. अभी आप लोग के मैसेजेस में पढ़ रहा हूँ तो मुझे अच्छी खुशी हो रही है, कम से कम सभी है ना, सभी लोग जुड़े हुए हैं साथ में. वर्चुअल क्लास के कुछ अपने बड़े लिमिटेशंस हैं, नहीं आप लोगों को नहीं लगता? वर्चुअल क्लासेस में यही बड़ी कॉन्स्टेंट्स बहुत से हैं, मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है बेचारा वो अपनी तरफ से बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, सामने वाला कह रहा है हाँ हाँ, हम लोग और भी सुन रहे हैं, और भी सुन रहे हैं, और भी सुन रहे हैं, ढेर सारी सुन रहे हैं, ढेर सारी चीजें सीख रहे हैं. लेकिन जब वंस यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ अ स्टूडेंट ना, यू फील मोर डायनेमिक, यू फील मोर हैपनिंग, यू फील मोर व्हाट से एक्सप्रेसिव ना टुवर्ड्स द स्टूडेंट व्हेन यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ देम. क्या है, अच्छा दे, THEY दे, राइट. अच्छा ऐसे ही है, वर्ड ऑफ द ईयर तुमने सीखा, उसी तरह से और क्या सीख सकते हो? जैसे सर बेस्ट साउंडिंग वर्ड, बेस्ट साउंडिंग वर्ड कौन सा है? बेस्ट साउंडिंग वर्ड, बेस्ट साउंडिंग वर्ड, वर्ड है सेरेंडिपिटी. वर्ड क्या है? सेरेंडिपिटी. अब तुम बोलोगे ना मुझे पता है, आप मेरे को बोलोगे सर एक बार और बोलना क्या बोला आपने, मैंने धीरे से बोला है ना, आप ऐसा तेज बोलना प्लीज. मैंने बोला है सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी सुनाई पड़ा क्या लड़का बोला? मैंने बोला बोलो, मैंने बोला क्यों, पता नहीं क्या बोला आपने. ठीक है, वर्ड क्या था बच्चों? सेरेंडिपिटी, एक बार बोल के देखो जरा. सेरेंडिपिटी, हाँ सेरेंडिपिटी, पीडीटी है सेरेंडिपिटी. ठीक, अब देखो कुछ लोगों ने कोशिश कर ली ना, मतलब कुछ लोगों को लगता है कि लगातार, एक तो पहली बात माइक पे बोल दो आप, हम बोल सेरेंडिपिटी, वेरी गुड, बोलना चाहिए. इसका मतलब होता है ना, ऑल सडन यू इन्वेंटेड अ वर्ड एट योर ओन इज नोन एज सेरेंडिपिटी. मतलब आपने अपने मन से कोई एक नया वर्ड इन्वेंट कर दिया, डिस्कवर कर दिया, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी. जैसे ये बड़ा मजेदार वर्ड है, कभी आपने, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ लाइफ में कि कभी आपने किसी से बात करते समय कभी आपने कोई इंग्लिश का वर्ड बोला हो? मान लो मैं कुछ देर के लिए अपना ना ये ऑफ कर रहा हूँ, कुछ देर के लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए. आवाज तो आ रही है ना, बस एक बार कंफर्म कर दीजिए आवाज आ रही हो. यस सर आ रही है. ठीक ठीक ठीक. सेरेंडिपिटी का मतलब होता है, जैसे कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप कभी किसी से बात कर रहे हो, मान लो किसी से भी बात कर रहे हो, या किसी को कुछ कह रहे हो, बात कर रहे हो, और आप, और कभी भी मतलब किसी भी समय पे ऐसा हुआ हो कि आप कुछ बोल रहे हो और आपके मुंह से कोई इंग्लिश का वर्ड निकल गया और उस मोमेंट ऑफ टाइम पे उसका आपको उस वर्ड का मतलब नहीं पता था, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको उस वर्ड का मतलब नहीं पता था, आपके मुंह से झटके से वो वर्ड निकल गया, बट लेटर ऑन जब आपने देखा, लेटर ऑन आपने पाया कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने वो वर्ड बोला था उसका वही एग्जैक्टली सेम उसका मतलब है. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ बाद में? जैसे सपोज आपने किसी से बात करते समय यू फाउंड, यू स्पोक वन वर्ड अनोइंगली, आपने कोई वर्ड बोला और उस समय तो बोल दिया, आपको श्योर था नहीं, आपके मुंह से निकल गया, मतलब झटके से आपके मुंह से निकल गया, बट लेटर ऑन आपने जब सोचा कि चलो इस वर्ड की मीनिंग देख लेते हैं क्या होती है, तो आपने बाद में जब उसको देखा तो यू फाउंड एग्जैक्टली द वर्ड हैज गॉट द सेम मीनिंग, द रेफरेंस और द रीजन व्हाई यू यूज्ड इट एट दैट मोमेंट. तो कभी ऐसा हुआ है आपने किसी के साथ? यस सर हुआ है. अच्छा बताएंगे जरा उसका क्या एक्सपीरियंस था, क्या था? सर अभी मैं कल अपने फ्रेंड से बात कर रहा था तो उसमें सडनली एक पॉइंट पे बात चल रही थी जो मेरे माइंड में था और मैंने उसे किसी को नहीं बताया था. तो मैंने उससे शेयर किया, उसी समय मैंने बोला कि इसको मैंने कभी किसी से डिस्पोज नहीं किया है. ओके ओके यस सर. और अचानक ये अपने आप निकला है, मैंने ना तो सोचा ना तो विचारा, ये अपने आप निकला. अच्छा ओके ओके यस सर. तो अभी जैसा भी आपने कहा ना कि सडन, ऑल सडन आपके दिमाग में एक वर्ड आया और आपने वो वर्ड बोल दिया,
और आपको उस मोमेंट पे उस चीज का रियलाइजेशन नहीं हुआ, बट लेटर ऑन जब आपने खोजा तो आपको पता चला कि जो पर्पस था आपके बोलने का वो वही था जो आप सेंस में बना के बोल रहे थे, राइट? इसका मतलब कि सरप्राइजिंगली यू इन्वेंटेड अ वर्ड एट योर ओन. इसका सेंस क्या है कि सरप्राइजिंगली यू इन्वेंटेड अ वर्ड एट योर ओन. आपने खुद से एक नया वर्ड सरप्राइजली खोज लिया, पता लगा लिया, ठीक है? तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेरेंडिपिटी. जैसे मैं बताऊं, कभी कभी बचपन की मेरे को बात याद है कि मैं बहुत पहले एक वर्ड मेरे मुंह से निकलता था, आर यू डबल वी रब. उस समय मेरे को उसका सेंस नहीं पता होता था, बहुत पहले निकल जाता था मुंह से रब रब रब. बाद में खोजा तो पता चला वही सेंस है जिस सेंस के रिकॉर्ड, जिस सेंस या के बिहाफ पे मैं सोच के उसको बोलता था. तो इसका मतलब शायद स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले एक बात कही थी, आप लोगों को पता हो शायद ना भी पता हो. उन्होंने ये कहा था कि हमें कोई कुछ सिखाता नहीं है, हमें कोई कुछ बताता नहीं है, हमें कोई जो है कुछ भी जो बताता है वो पहले से ही इस ब्रह्मांड में अवेलेबल है. सिर्फ वो उसका क्या कराता है, दर्शन मात्र कराता है. पीपल एक्नॉलेज, पीपल मेक अस अवेयर टू अंडरस्टैंड विच इज ऑलरेडी बीन देयर, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट. मेरी बात समझ में आ रही है? जो चीज पहले से उपस्थित है हमको सिर्फ उसका दर्शन कराया जाता है. जैसे शीशे के सामने डस्ट लगाओ तो हमें अपना चेहरा नहीं दिखेगा, डस्ट हटा दिया जाए तो चेहरा दिखना स्टार्ट हो जाता है. तो जितनी भी इस दुनिया में पढ़ाई लिखाई है, इस दुनिया में जितनी भी पढ़ाई लिखाई है वो सब पहले से अवेलेबल है. उसकी खोज कौन कर लेता है पहले वो मैटर करता है, कि उसकी खोज कौन कर लिया पहले और हमें सिखा कौन दिया, ठीक? ओके. खोज कौन कर लिया, हमें सिखा कौन दिया, वो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम टीचर कह देते हैं, जिसको हम मेंटर बोल देते हैं, जिसको हम अपना ट्रेनर बोल देते हैं, जो भी इसको आप नाम देना चाहें उसको नाम दे सकते हैं आप. लेकिन उसने हमें कोई नई चीज नहीं बताई है, उसने वही चीज बताई है जो चीज पहले से अवेलेबल थी. डू यू गेट दिस? यस सर. तो अब मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, और जो मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्लाइड है, जिस चीज के ऊपर मैं भी आपसे बात कर रहा था कि आपको अपना चीजों को और बूस्ट या बिल्डअप करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जो थोड़ी सी डिफरेंट हो, थोड़ी सी मतलब अलग हो, है ना, ऑड वन आउट हो, तभी वो लंबे समय तक आप उसको याद रख पाते हैं. तो इंटरेस्ट बनाए रखना जरूरी है. तो उसी इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए मैं फिलहाल आपके सामने एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, और इस स्लाइड के थ्रू आई एम जस्ट शोइंग यू कि दिस वे थिंग्स कैन हैपन, सो एज मेनी अदर वेज द थिंग्स कैन हैपन. और यदि मुझे बाद में कभी और मौका मिला तो मैं सर्टनली आपको कुछ और भी स्लाइड्स हैं, बहुत सी स्लाइड्स हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक? तो फिलहाल तो मैं आपको भी फिलहाल एक स्लाइड उसमें से दिखा रहा हूँ, through which you can understand the relevance of make things more interesting and how you can learn from it. ठीक? तो here's a slide. और आप मुझे बताइएगा कि whether this screen is visible you guys or not. कोई स्लाइड दिख रही है क्या? यस सर, इट इज विजुअल. अच्छा, एक मिनट एक मिनट. हाँ, तो ये पहली स्लाइड है जिसमें लिखा है द वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश वोकैबुलरी दैट यू हैव नेवर सीन बिफोर. ठीक? तो ये पहली स्लाइड मैंने अपनी पिक लगा रखी है इसमें, और आपने पढ़ी लिया होगा, होप सो, सारी चीजें पढ़ ली होंगी. और ये मैंने बताया ना आपको, एक दिन नहीं लगा मुझे, 9 साल लग गए इस चीज को कवर करने में. क्योंकि मैं इस ट्रेनिंग के फील्ड में हूं इसलिए मेरा सीखना इम्पोर्टेंट है. आप ट्रेनिंग के फील्ड में नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, आपको नौकरी करना है फ्यूचर में कंपनीज के अंदर किसी अदर डिपार्टमेंट में, तो आपके लिए इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो अलग तरह से है. ठीक है? तो आपको एटलीस्ट यदि 30% भी पूरे एडवांस ऑक्सफोर्ड का यदि आपने सीख लिया तो आप लाइफ टाइम के लिए अमर हो जाएंगे.
तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप पूरा 100% आप सीख लीजिए, उसमें 10,30,000 वर्ड्स आते हैं. और 7th एडिशन ऑफ एडवांस ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी हैज बीन रिटन बाय स्वानबी. एस स्वानबी उनके ऑथर है. और आपको मैं बता दूं कि इस पूरे दुनिया में ऐसी 5 अलग अलग डिक्शनरीज हैं विच आर हाईली पॉपुलर एंड आर एडवांस ऑक्सफोर्ड इन कम प्लेस. एंड इन दैट सीक्वेंस ऑफिशियल रेट, यदि आप उसकी रेटिंग करेंगे तो इट स्टैंड ऑन 5th नंबर. वो पांचवें नंबर पे उसकी रैंकिंग होती है एडवांस ऑक्सफोर्ड की. फर्स्ट नंबर पे वेबस्टर्स आती है, उसके बाद आती है कोलिन की डिक्शनरी आती है, कोलिन, राइट. और उसी तरह से उसी सीक्वेंस में आप एक ही करके आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा एडवांस ऑक्सफोर्ड 5वें नंबर की बेस्ट डिक्शनरीज में से एक है. तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसके नाम है ट्रांजिनिक वर्ड्स बोलते हैं बच्चों, ट्रांजिनिक वर्ड्स. ट्रांजिनिक वर्ड का मतलब होता है कि बॉलीवुड वोकैबुलरी. मैंने इसको बॉलीवुड के हिसाब से कुछ वर्ड्स को मैंने चेंज किया है कि जो बॉलीवुड में वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसको मैंने इंग्लिश के वर्ड्स में कन्वर्ट किया जिससे थोड़ा सुनने में, देखने में, पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे. ठीक है, एक यस बोल दो फिर स्टार्ट कर लेते हैं. यस सर. जी तो बच्चों पहला वर्ड है काउटाओ. काउटाओ का मतलब होता है, ये आप देख के समझ रहे होंगे पिक्चर में, कि एक महिला है वो काऊ के सामने खड़े होकर के प्रणाम कर रही है. तो लिखा है तो हम लोग काऊ के आगे फोरहेड अपना नीचे झुकाते हैं और उनको हम वर्कशिप करते हैं, मतलब उनकी हम पूजा करते हैं. तो हिंदू लोग काऊ के आगे काउटाओ करते हैं. क्या करते हैं? काउटाओ. अब आप जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, कभी आपको गाय दिख गई तो काऊ तो बाद में बोलेंगे, आपको सबसे पहले याद आ जाएगा अच्छा सर ने सिखाया था काउटाओ 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 काउटाओ, जिंदगी भर आप लिए याद रहेगा ये चीज, है ना. दूसरा वर्ड लिखा एडल्ट्रेस, या लिखा इग्नोबल. एडल्ट्रेस का मतलब होता है क्या शर्माजी, हम थोड़े. एडल्ट्रेस मतलब बेवफा. एडल्ट्रेस मतलब इनफिडल या बेवफा क्या हुए आप, तो बच्चलन हो गए. बच्चलन मतलब इग्नोबल हो गए. अब ये मैंने डायलॉग्स यूज किया गया है ना मूवीज के अंदर अलग अलग, तो मैंने उन मूवीज के डायलॉग पे अलग अलग तरह का स्टेटमेंट बना लिया है. क्या शर्माजी हम थोड़े इग्नोबल, मतलब सॉरी एडल्ट्रेस या इनफिडल क्या हुए आप, तो इग्नोबल हो गए. समझ में आ रहा है? पर्पस को ध्यान रखिए, सेंटेंस इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है? पर्पस, जिस पर्पस से हम ये काम कर रहे हैं. पर्पस क्या है? कि हम अपना इंटरेस्ट कैसे गेन करें, हम अपने वोकैबुलरी को कैसे एम्पावर करें, उसके लिए पर्पस ये है. समझ में आ रहा है? हाँ जी. यस सर. नेक्स्ट वर्ड देखिए लिखा है डिबांच. ये आपको मूवी याद होगी पीके. तो डिबांच का मतलब होता है करप्ट बाय सेंसुअलिटी को बोलते हैं डिबांच, जिसके बोलने में बात करने में थोड़ा सा हमें ऐसा वर्ड मिलता है जो हमें लगता है कि वो थोड़ा सेंसुअलिटी के हिसाब से अनकंफर्टेबल करने वाला है. प्यूराइल, दिल तो बच्चा है जी, मतलब दिल तो प्यूराइल है जी, मतलब बच्चा जिसमें चाइल्डनेस हो, जिसमें जॉक्युलरनेस हो, जॉक्युलर जिसको बोलते हैं, चाइल्डनेस को मतलब जॉक्युलर हो, मेच्योर हो, ट्राइबल हो, पर्टेनिंग टू अ चाइल्ड हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूराइल. ठीक. अभी आपको ये वाला गाना याद होगा दिल तो बच्चा है जी, तो उसको आप बोल सकते हैं दिल तो प्यूराइल है जी के बाद जो आपको बोल रहा है उसको आगे आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है अनकोर. ठीक. ये मेरा एक फेवरेट गाना भी है अनकोर. अनकोर का मतलब होता है वंस अगेन. तो पहले तो आप ये जान लो कि वन मूवी सॉरी जो पेप्सी का एड आता था ना उसमें बोलता था ये दिल मांगे मोर, फिर बोलता था वंस मोर. तो आपको पहले तो ये बता दूं मैं कि वन मोर और वंस मोर में डिफरेंस क्या होता है. वन मोर का मतलब होता है एक बार और वंस मोर का मतलब होता है बार बार करते रहो जब तक मैं मना ना करूं उस काम को करने के लिए, तब तक करते रहो. तो दोनों में ग्रामेटिकली डिफरेंस भी समझ लो. ये वन मोर का मतलब डू इट द सेम विच यू डिड अर्लियर वन मोर टाइम. वंस मोर का मतलब यू कीप ऑन डूइंग इट अंटिल यू नॉट सेल्फ एंड से यू टू स्टॉप इट. जब तक मैं बोलूँ ना उसको बंद करने के लिए तब तक आप इस काम को कंटिन्यूसली करते जाओ, राइट. और वंस मोर इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वर्ड. वंस मोर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वर्ड है. ठीक. फिलहाल यहाँ पे अनकोर का मतलब वंस मोर है, मतलब ये जो आपको याद होगा ये गाना जिंदगी मिलेगी ना दोबारा. An encore unto his or her of life won't happen again. ये वाला गाना हम सब एक साथ गा सकते हैं क्या? गुनगुना लीजिए आप मनी मन में बैठे बैठे, जहां बैठे हैं आप उसको सुनिए और गुनगुना लीजिए आप. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I want to grow up. Encore, encore मतलब again. ठीक. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमें हिंदी गाने या इंग्लिश गाने या उर्दू गाने या किसी भी भाषा के कोई गाने यदि आपको पसंद है तो वो पसंद होने का कारण क्या है. यदि इस तरीके से मैं गाऊं
कि आपने जो भी अनकोर बोला है तो फिट इन हो रहा है नहीं हो रहा है? आपने सर फिट इन सिखाने के लिए कर दिया तो हम सीख रहे हैं, राइट? लेकिन वो गाने सिर्फ इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें राइम होती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं राइम स्कीम. क्या बोलते हैं? राइम स्कीम. हिंदी उर्दू शब्दों का समावेश, इसलिए हमें सुनने में वो अच्छा लगता है. यदि वो ना हो तो हमें गाना सुनने में अच्छा ही नहीं लगेगा. फिलहाल ये अनकोर आपने सुन लिया. अब नेक्स्ट वर्ड है सेंटिनल. बॉडीगार्ड मूवी देखी है आप लोगों ने? बॉडीगार्ड मूवी किसी ने देखी है आप में से? बॉडीगार्ड मूवी, बॉडीगार्ड का मतलब? यस सर. बॉडीगार्ड का मतलब शरीर का सुरक्षा. बॉडीगार्ड का मतलब होता है सेंटिनल. बॉडीगार्ड मींस सेंटिनल को बोलते हैं बॉडीगार्ड, राइट? तो इसमें अ पर्सन हु एम्प्लॉयड टू गार्ड समवन, मतलब सलमान खान ने प्लेड एज सेंटिनल इन द मूवी बॉडीगार्ड. समझ में आ रही है? Yes, भाइयो जी, भाइयो जी, दिल से दिल मिलायो जी, आ गया है देखो सेंटिनल. आप चलो आप लोग एक दूसरे को बोलते फिरो कि देखो आ गया है सेंटिनल, देखो सेंटिनल, सेंटिनल मतलब बॉडीगार्ड. जो थोड़ा देखने में हिस्ट पोस्ट हो उसको बॉडीगार्ड कह सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड बच्चों है सैपिएंट. सैपिएंट का मतलब जैसे सैप कंपनी ओनली रिक्रूट सैपिएंट इंजीनियर्स. अब सैप कंपनी पता ही आपको, सैप कंसल्टेंट होते हैं लोग, राइट? तो सैप कंपनी हमेशा सैपेंट इंजीनियर्स को ही रिक्रूट करती है. व्हाट मींस कॉल्ड सैपेंट इंजीनियर्स को रिक्रूट करती है, मतलब जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, वाइज होते हैं, जिसमें विट होता है, जिसमें विजडम होता है, जिसमें वाइज एकरनेस होती है, जिसमें बुद्धिमता होती है, जिसमें ज्ञान होता है और बुद्धिमता होती है, ऐसे लोगों को सैप कंपनी रिक्रूट करती है. समझ में तो आई गया होगा, राइट? उसके नीचे लिखा हुआ है कि होमो सैपियंस, हमारा जो नाम है बायो है ना, जो बायोलॉजिकल हमारा नाम है वो है होमो सैपियंस. तो होमो सैपियंस आर सपोज्ड टू बी नेम्ड एंड आफ्टर देयर सैपेंट नेचर एपरेंटली वी हैव विजडम. तो यहाँ पर भी जो वर्ड है ना होमो सैपियंस, वो मतलब जो सब एक जैसे लगे देखने में, और सैपेंट का मतलब जिसमें विजडम हो, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है होमो सैपियंस. नेक्स्ट वर्ड है रिबाल्ड. नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिबाल्ड. व्हाट इज माय रिबाल्ड? डर्टी पिक्चर. मतलब डर्टी पिक्चर को आप बोलेंगे तो रिबाल्ड पिक्चर, राइट? रिबाल्ड पिक्चर, ठीक है. नेक्स्ट इज टर्न कोट. वॉट मीन्स टर्न कोट? जॉनी गद्दार, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी ये भी. जॉनी गद्दार, अ पर्सन हु चेंजेस टू एन अपोजिट पार्टी और फैक्शन, रिवर्सेस इन प्रिंसिपल एक्सेट्रा, और रेनिगेड. इसको आप रेनिगेड बोलो या आप इसको बोलो अ पर्सन हु चेंज ऑन हिज पार्टी फॉर सम एक्सप्लिसिट रीजंस, इसको बोलते हैं जॉनी गद्दार, राइट? गद्दार इज कॉल्ड टर्न कोट फॉर हिज ओन बेनिफिट इफ समवन इज डूइंग दैट थिंग अननेसेसरली or a changing party or going against the norms or rules or laws is known as gaddar or a turncoat. Clear hai? Next word hai ruffian. Ruffian ka matlab hai badmash company. Matlab badmash company matlab ruffian company. Theek? Ye ladkon ka favorite word hai ruffian company, badmash company, jisko hum bolte hain tough ya lawless person. Jo tough ya lawless aadmi hota hai usko bolte hain ruffian company. Next is munificent. What is munificent? अब ये वाला मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो मुन्नी वॉज गेटिंग म्यूनिफिसेंट इन गेटिंग बदनाम, राइट? तो सेंटेंस को आप देख रहे हैं कितने क्रिएटिव तरीके से मैंने सेंटेंसेस को एडजस्ट किया है. तो म्यूनिफिसेंट मतलब दिल वाले, और से जेनरस, और से काइंड, ठीक है? तो ये सेंटेंस समझ में आ रहा है आपको? मुन्नी वॉज गेटिंग म्यूनिफिसेंट इन गेटिंग बदनाम एंड दैट वाइज शी टॉप्ड द पॉपुलैरिटी चार्ट. ओके, any doubts? No sir. Next, अब ये वाला जो sentence है ना, ये वाला जो गाना है, इससे भी याद रख सकते हैं munificent को. ले जाएंगे जी, ले जाएंगे munificent दुल्हनिया, ले जाएंगे, ठीक है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. ये word stolid जो है, stolid, ये बात captain cool के ऊपर best suitably adjust हो सकती है. ऐसा आदमी जो अपने emotions को ना दिखाता हो, ठीक है, someone who does not show too much of emotions, मतलब हर जगह पे न्यूट्रल रहना, चाहे वो ओवर एक्साइटिंग वाला मोमेंट हो, चाहे वो सैड मोमेंट हो, जो अपने इमोशंस को लिड से कवर कर ले या क्लोज कर ले, उसको स्टॉलिड कह सकते हैं. मतलब जो आदमी अपने इमोशंस को अननेसेसरली शो ऑफ ना करे, उसको स्टॉलिड कहते हैं, राइट? राम कपूर का आपको याद है, आप बहुत अच्छे लगते हैं. अब राम कपूर साहब जो आप बहुत अच्छे लगते हैं, तो मतलब आप बहुत ही कॉपियस लगते हैं, मतलब आप बहुत अच्छे लगते हैं, इट्स कॉल्ड कॉपियस.
ठीक है, आप बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब आप बहुत ही कॉपियस लगते हैं, एबिडेंट को बोलते हैं, या बोलते हैं प्लांटेफुल या मोर एन एक्स्ट्रा और बड़े, राइट? या आपने आपने किसी ने कभी देखा है ये वाला सीरियल एपिसोड? बड़ा पॉपुलर रहा है अपने समय पे, बहुत ही फेमस रहा है। हेलो, नो सर, नहीं देखा। आप लोग बड़े गुस्से में है, क्या बात है? अच्छा नहीं लग रहा है ये स्लाइड। नहीं सर, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा इंटरेस्टिंग है। Yes, और कोई कुछ तो बोल ही नहीं रहा है, और सभी लोग तो मेरे को लग रहा है चुप है, शांत है एकदम, उनको लग रहा है नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं सर, वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा है सर। अच्छा है, अच्छा। ये इसलिए ऐसा बनाया है ताकि इससे आप कुछ एस्पेक्ट्स में सीख सकें। पर्पस मैंने बताया था ना, पर्पस हर चीज में पर्पस इंपॉर्टेंट है आपका, क्या पर्पस है आपका। तो बड़े के लिए ये वर्ड है कॉपियस। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जीफी लगाया है, ये है फास्ट रिलीफ। तो मतलब हिमानी फास्ट रिलीफ, दर्द मिटाए चुटकियों में। तो आप चुटकियों के लिए आप क्या यूज करेंगे? जीफी में, दर्द मिटाए जीफी में। दर्द मतलब, अब ये आपका जीफी मतलब हो गया वेरी शॉर्ट मोमेंट या नो टाइम के लिए, जीफी है ना, जीफी में चिपका है मतलब वेरी क्विक, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जीफी, JIFFI। नेक्स्ट इज शेवरिंग, मतलब आई एम शेवरिंग इट, इसका मतलब आई एम लविंग इट, इसका मतलब आई एम शेवरिंग इट। माँ के हाथों का गेवर, मुझे शांति से शेवर करने दो, मतलब मेरे को खाने दो। नेक्स्ट वर्ड है रकस, चोर मचाए शोर। अब चोर मचाए शोर के लिए तो रकस का मतलब ही होता है एक्ट ऑफ मेकिंग डिस्टर्बेंस, नॉइजी डिस्टर्बेंस, जिसको कोमोशन भी बोल सकते हो, क्योस भी कह सकते हो आप। तो चोर मतलब शोर, चोर शोर याद रखिएगा। तो ऐसे शोर इन द सिटी मतलब रकस इन द सिटी, तो चोर मचाए शोर मतलब चोर मचाए रकस, RECRUCKUS, रकस, ठीक है। होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सेवेंथ पे एब्सॉल्व। ये वाली मूवी वैसे मैंने देखी तो नहीं है, सुनी काफी है इसके बारे में बातें, कि इसका सात खून माफ से रिलेटेड कुछ बात थी, उसने सात खून क्यों करे थे, क्या थे। आप में किसी ने देखी है मूवी सात खून माफ? No, sir. मैंने सुना बहुत है, ये नाम क्यों है सात खून माफ एंड ऑल, मेरे को किसी ने एडवाइस किया था देखना आप एक बार बात, अब मेरे को टाइम मिला ना, मैं कभी देख पाया। सात खून माफ क्या था वैसे, स्टोरी क्या थी इसकी, बताएंगे मुझे थोड़ी सी, किसी ने आपने से देखी हो तो। तो वैसे सात खून माफ के यहाँ पे मतलब क्या है, सात खून एब्सॉल्व, सात खून एब्सॉल्व को बोलते हैं सात खून माफ, ठीक, क्लियर हो गया। तो हम लोग ये वाला जो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, तो मार दिया जाए या एब्सॉल्व कर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। नेक्स्ट वर्ड है फोर्टिट्यूड। अब फोर्टिट्यूड वर्ड जो है वो 40 से बना है, 45 जो वर्ड है, फोर्ट फोर्ट FORT है ना, पहले फर्स्ट फोर जो अल्फाबेट्स है वो FORT, फोर्ट मतलब किला होता है, फोर्टिट्यूड मतलब करेज होता है। तो फाइटिंग टू सेव अ फोर्ट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ फोर्टिट्यूड इन द अर्लियर टाइम्स। वैसे ओवरऑल फोर्टिट्यूड का सेंस क्या है, करेज से, मतलब आपकी हिम्मत से। तो दोज हु लिव इन द फोर्ट, जिन लोगों के अंदर जो फोर्ट में रहते हैं, उनका एटीट्यूड जो होता है वो बहुत ही करेजियस एटीट्यूड होता है, क्योंकि वो लोग फोर्टिट्यूड जैसे लोग होते हैं, ठीक है। तो फोर्ट को फोर्टिफाई मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्टिट्यूड चाहिए होता है, समझ में आ रहा है, फोर्ट को फोर्टिफाई मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्टिट्यूड चाहिए होता है। नेक्स्ट इज रेवनेस। What is called ravenous? Ravenous का मतलब होता है रावण जैसा, ठीक। Ravenous मतलब एक्सट्रीमली हंग्री, जिसके पास भूख बहुत ज्यादा हो, जिसको खाने की अंदर से ललक बहुत हो। तो इफ यू हैव 10 हेड्स लाइक द रावण, यू विल डेफिनेटली फील रेवनेस ऑल द टाइम। जिसके पास मतलब 10 सर होंगे इस तरीके से, उसको हमेशा ही खाने के लिए एक अंदर से भूख लगी होगी, अंदर से एक्साइटमेंट होगा, ललायत रहेगा वो खाने के लिए। एंड द लास्ट वर्ड इज हर्टल। वट इज हर्टल? तो भाग भाग डी के बोझ, मतलब हर्टल हर्टल डी के बोझ। तो भाग भाग के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं हर्टल। तो आप बोल सकते हैं टर्टल के नॉट हर्टल, क्योंकि टर्टल तेज तेज नहीं चल सकता, और हर्टल का मतलब होता है टू मूव विद ग्रेट स्पीड, ठीक है। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका, ऑल एंटायर थिंग्स हैज बीन डन। ये कुल मैंने 20 वर्ड ऐसे लिए थे, और ऐसे और भी बहुत सी स्लाइड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग ऑडियो विजुअल फॉर्म में वोकैबुलरी को कवर करेंगे। और मैं आपको अभी एक और स्लाइड भी दिखा रहा हूँ वोकैबुलरी की, और ये आपके लिए आज का एक छोटा सा होमवर्क भी है, ठीक।
और उसे आप कंप्लीट करेंगे. ओके यस सर. तो मैं इसे अभी यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ और मैं आपसे सेकंड स्लाइड फिर आपको दिखा रहा हूँ. सेकंड स्लाइड. फिलहाल मैंने ये सारी चीजें जो आपको दिखा रहा हूँ इसमें आपके काम की सिर्फ एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है वो ये है. स्लाइड नंबर 10 दिखा आपको. स्लाइड नंबर 10 ये कहानी सत्य घटनाओं पे आधारित है. दिख रहा है? यस सर. इस मतलब जो भी स्लाइड है ना मैं आपको दिखाता हूँ या स्लाइड में आपको जो भी इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक लगता है आप उसका कॉपी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं. ठीक है, इट इज योर प्रॉपर्टी, आप उसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका. ठीक, इसका जरूर ले लीजिएगा. ये आपका होमवर्क भी है. आप इसमें कुछ वर्ड्स पढ़ पा रहे होंगे. फॉस्टर, वेरी, फॉस्टॉल, स्टिल, वुड, केसी, प्रेसिडेंस, होमोजाइन, मैक्सिमाइज, देख रहे हैं ना, रेट्रोएक्टिव, कॉन्डन, इनक्यूमिनिकेबल, आर्केड, ये जो सारे शब्द हैं इन सभी को आपस में जोड़ देंगे ना तो एक पिक्चर की मूवी स्टार्ट हो जाएगी, पिक्चर का प्रोमो क्रिएट हो जाएगा. तो आप मुझे कल की क्लास में ये बताना कि ये सारे वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, यूनिफाई कर दिया जाए, तो व्हाट वुड द बेस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी कैन क्रिएट बेस्ड ऑन these all words, इन सारे भी शब्दों के बेसिस पे which that word, I mean, story we can frame. तो आप सभी की individual meaning खोजिए और एक story मेरे को बताइए, अच्छी story बताइए, क्या आपको लगता है which story can frame based on these connecting words, right? We'll talk about this on tomorrow's session. हम लोग उसके बारे में कल बात करेंगे. Okay? ये आपने पढ़ा है इसको, इंग्लिश इज फनी करके जो लिखा हुआ है, इसको देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, इंग्लिश इज फनी करके कुछ लिखा हुआ है. यस सर. तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे हम बूट तो इसको हम फूट क्यों नहीं है, और यदि फीट है तो वी शुड वियर बीट. इस तरह के ऐसे बहुत से एक्सेप्शनल केसेस आपको मिलते हैं, ऐसे बहुत से हाइपोथेसिस हैं, ऐसे बहुत से फिनोमिनल आपको चेंजेस मिलेंगे इंग्लिश में, एंड यू वोंट गेट द एग्जैक्ट ट्रू आंसर बिहाइंड सच क्वेश्चंस, राइट? तो हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे ऐसे कुछ और, हम ट्रिविया की बात करते हैं. कैन यू सजेस्ट मी द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द डिक्शनरी? देखिए, इट इज द लॉन्गेस्ट वर्ड. दिस वर्ड इज ऑफ 46 अल्फाबेट एंड दिस इज अ लंग्स डिजीज व्हिच स्टार्ट फ्रॉम एस एंड एंड्स ऑन एस. 46 अल्फाबेट का वर्ड है जिसमें 11 सिलेबीज हैं. 11 सिलेबीज हैं, तो बोलते समय इसको आपको अलग अलग जगह पे इसको तोड़ना पड़ता है और 11 जगह से इसको तोड़ना पड़ता है इसको सही प्रोनाउंसिएशन इसकी करने के लिए. ठीक, ये ऐसे ही. और आपको नेक्स्ट इसके बाद लिखा है स्माइल इज द लॉन्गेस्ट वर्ड. जिन दोनों के बीच में माइल का डिफरेंस है, तो मैं पूछूं यदि आपसे इनडायरेक्ट फॉर्म में कि डिस्पाइट ऑफ दिस व्हिच इज द वर्ड यू कुड से a longest word which has a difference of miles and miles of kilometers, then you can speak in lighter note at the word is a smiles, which is start s and ends on s. samajh mein aa raha hai kya? ek baar aapko yaad hoga maine class mein question aapse pucha tha ki you need to suggest me english word jiska 400 se bhi zyada definitions hai. एक ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जो कि मैथमेटिकल टर्म है और शायद आपने इस मैथमेटिक्स के इस टर्म को पहले पढ़ाई भी की है और इसके टोटल 400 से भी ज्यादा डेफिनेशंस हैं. व्हिच दिस वर्ड इज एसीटी सेट. सेट के टोटल 464 डेफिनेशंस इन एडवांस ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी. एसईटी है ना, मैथ का वर्ड है, मैथमेटिकल टर्म है एसईटी सेट. ठीक,
अजीब है ना थोड़ा सा। अब ये देखिए हम कर क्या रहे हैं पता है, ये हम लोग जीके की क्लास नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं हम क्लास वोकैबुलरी की। और पंकज सर आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको इंटरेस्ट मोड क्रिएट करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग डिफरेंट स्टोरीज, अलग अलग डिफरेंट नॉलेज बेस शेयर कर रहा हूँ ताकि वो इंटरेस्ट बना रहे। और जब वो इंटरेस्ट आप खुद में जगाए रखेंगे ना खुद को, ऑटोमेटिक कुछ दिन के बाद आपको ये लगने लगेगा, कभी भी कोई डिफिकल्ट टिपिकल वर्ड चीजें देखेंगे आपको अंदर से अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ आपको पहले से मालूम है, आप जानते हैं। अभी जैसे मैंने कहा था ना आपको अलग अलग बेस बताया था, अभी मैं एंगर बोलता तो समझ में आ जाता, रेज बोलता, व्रेथ बोलता तो थोड़ा अनकंफर्टेबल आपको लगता ना। रेज और व्रेथ सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो दिक्कत होगी। जैसे मेलेंकॉली बोलता आप कहते हैं हाँ सर नहीं सुना है, मैंने बोला थॉटफुल। डिमाइज बोलता, सैड बोलता, आप कहते हैं हाँ हाँ सर याद आ गया सैड, है ना। तो वैसे ही है, समझ गए आप। तो अब आता है तो मतलब आता है, अब नहीं आता उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। तो हम धीरे धीरे उन चीजों को, वर्ड्स को डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा हम कहीं कहीं से अलग अलग जगह से कोट करेंगे ना। जैसे आप देखिए अभी और भी टेक्निक्स मैं आपसे शेयर करूंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसके आगे डिस्कस करेंगे। एक ऐसा वर्ड जो एमपी है ना, एम और टी पे खत्म होता हो, एम और टी, एम और टी का मतलब कि स्टार्ट एम से होता हो और टी पे खत्म होता हो, विज दिस वर्ड इंग्लिश वर्ड, तो माइसोगाइनिस्ट बोलते हैं, वो हेट्स वुमेन, ठीक है। तो फिर ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं जो मैन को हेट करते हैं, इसका आंसर मुझे आप कल की क्लास में दीजिएगा, ठीक। आपको कैसे वर्ड का मेरे को वर्ड बताना है जो हम लोग बैकवर्ड से पढ़े या हम फॉरवर्ड से पढ़े, और जिस वर्ड का सेंस मतलब एक ही होना चाहिए, राइट, विज दिस वर्ड इज बैकवर्ड या फॉरवर्ड, इसका भी आंसर मुझे आप कल की क्लास में देंगे, ठीक है। विच दिस पर्टिकुलर वर्ड विच यू कैन रीड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एज सेम, ठीक। इसके बाद आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें आपको तीन ऐसे कॉन्सिक्यूटिव वर्ड बताना, एक ऐसा वर्ड इंग्लिश का एक ही ऐसा वर्ड है पूरे एडवांस ऑक्सफोर्ड में, जैसे डबल एस डबल पी डबल ओ होता है ना, ऐसे कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं। तो डबल पी डबल एस मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो डबल पी डबल एस ऐसे बहुत से वर्ड मिलेंगे आपको, लेकिन आपको तो एक ऐसा वर्ड देना है जिसमें तीन बार कॉन्सिक्यूटिवली चीजें बैक टू बैक आनी चाहिए। तो विच दिस वर्ड इज, ऐसा कौन सा वर्ड है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? ये अभी जो आपने लास्ट में बताया ये नहीं आया। ये क्वेश्चन का मतलब ये है, जैसे कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है, जैसे डबल पी मैंने कहा रिपीटेटिवली तीन बार नए नए अलग अलग अल्फाबेट तीन बार आने चाहिए, जैसे डबल एस डबल पी डबल टी मान लो एग्जाम्पल। तो एक ऐसा वर्ड है जिसका हम जब इंग्लिश स्पेलिंग बताएंगे तो उसमें तीन बार वो अलग अलग अल्फाबेट बार बार आएगा, रिपीटेटिवली आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल बोला डबल पी डबल जेड डबल ओ, डबल पी डबल जेड डबल ओ कॉन्सिक्यूटिवली आएगा, मतलब उस स्पेलिंग उस जो वर्ड की होगी उसमें डबल 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 तीन बार आएगा। अभी क्लियर हो गया? यस सर इट इज क्लियर, है ना। उसमें डबलिंग होगी तीन बार, लगातार तीन बार, और वो डबलिंग किस वर्ड की अल्फाबेट की होगी ये श्योर नहीं है, आप बता सकते हैं कोई भी वर्ड, मतलब अब स्पेलिंग आपको पता होगी तो आप बता सकते हैं इंग्लिश का कौन सा ऐसा वर्ड है। चलिए वर्ड आपके सामने है, देख लिया आपने वर्ड, देख लिया आपने? यस सर। बुक है ना, बुक कीपर, तो डबल ओ डबल के डबल ई बुक कीपर। और दूसरा वर्ड क्या है? स्वीट टूथ। तो स्वीट टूथ और बुक कीपर मात्र ऐसे दो ही शब्द हैं जिसमें कि थ्री टाइम्स डबलिंग आती है, थ्री टाइम्स। चलिए तो ये बस ऐसे लिखा है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, डू नॉट इनकंसिडर विद द करियर, लीव लाइफ किंग साइज। तो मैं इस चीज को भी यहां फिलहाल अभी एंड कर रहा हूं, और मैं आपसे फिलहाल चैट बॉक्स में आपसे बात करता हूं कुछ देर के लिए, और
मेरी आवाज आ रही है? यस सर, नाउ यू आर ऑडिबल। अच्छा, इसके पहले नहीं आ रही थी आवाज? नो सर। ठीक 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 ठीक, मैं स्क्रीन पे आपसे कुछ शेयर कर रहा हूँ और ये आप पहला ये आप देख पा रहे हैं, नटसेल yes, करके लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट नटसेल क्वेश्चंस लिखा है। यस सर, दिखाई दे रहा है। यस सर, दिखाई दे रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा, पहले वाले का। सर ले लिए। ले लिया? वेरी गुड, चलो वेरी गुड। सभी ने ले लिया? यस सर। बोली? ठीक, वेरी गुड। अब इसके बाद ये इसका सेकंड है ना, ये दिस इज द सेकंड वन, इसका भी ले लीजिए। एक एक मिनट, जस्ट वन मिनट का। हाँ, इसका ले लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं ये ऑर्डिनरी क्वेश्चंस नहीं है, सारे एक्सपेरिमेंटेड क्वेश्चंस हैं। ये गूगल से कट कॉपी पेस्ट नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको। पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां जिस जिस कॉलेज में कहीं भी आज तक कैंपसेस हुए हैं उसमें वोकैबुलरी से रिलेटेड जो भी सिनोनिम्स पूछे गए हैं उन सभी को अलग अलग ईयर्स की जगहों से मेजर किया गया और देन आई ड्राफ्टेड दिस होल हैंड आउट। ये इट इज नॉट अ कट कॉपी पेस्ट वाला है ना हैंड आउट। ठीक, तो इसको सिंसियरली करना है, इसको तो बहुत फायदा होगा। इंफोसिस में, म्यू सिग्मा के अंदर, टीसीएस में जो। हाँ जी बोलो सर। दूसरे पेज को थोड़ा डाउन कर दीजिए सर, अभी स्क्रीनशॉट नहीं ले। अब हो गया? एक मिनट, नहीं डाउन वो ऊपर से कह रहे हो क्या? वो ऊपर में पहले वाले में ऑलरेडी फर्स्ट के तीन चार आ चुके हैं, फर्स्ट वाले पेज के। आप यहां से बोल रहे हो ना, यहां से? ये जो लाइन है ऑलरेडी पहले, ये जो मैंने पहले वाला दिखाया था ना, इसमें यहां तक आया था, यहां तक आ चुका था, दो चार पांच इसके वर्ड आ चुके थे, इसलिए मैंने इसको नीचे कर दिया है थोड़ा। एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको वापस से दोबारा से ठीक कर रहा हूँ। अभी ठीक है? हेलो। यस सर। अभी ठीक है? यस सर। ठीक है, ले लीजिए। सर आज कोई क्लास थी क्या? हेलो, कौन बोल रहा है भाई? हेलो, सितंबर से बोल रहा है। कौन बोल रहे हैं आप? हेलो, ये थर्ड पेज का भी ले लिया ना आपने? यस सर ले लिए। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर ले लिए। ठीक ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने वो जो हैंडआउट जो था आपका, ये आप देख पा रहे होंगे पैरा जंबल लिखा हुआ है, पैरा जंबल फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल तक मिला? यस सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर वन से लेकर के सिक्स तक आ रहा होगा, सिक्स तक दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। यस सर। इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन सर। और ये क्वेश्चन नंबर सेवन से लेकर के क्वेश्चन नंबर सेवन से, एक मिनट वेट वेट वेट, ये सेवन से लेकर के जो उसके बाद आ रहा होगा सेवन एट नाइन टेन वन टू मिला? यस सर। उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये आखिरी पन्ना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। चलो वेरी गुड। अब आप इसे कर लीजिएगा और फिर उसको मेरे को बताइएगा, तो हम फिर उसके आंसर कॉपी में आपसे शेयर करूंगा। ठीक है? यस सर।
यस सर। चलिए अब एक काम करते हैं, जो आपके डाउट्स वोकैबुलरी को लेकर के हो, जो भी डाउट्स हो वो मुझसे अभी आप पूछ सकते हैं कंफर्टेबल तरीके से। आराम से सोच लीजिए आपके क्या कोई डाउट्स हैं वोकैबुलरी को लेकर के, तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। हेलो। यस सर, इसमें वोकैबुलरी में कुछ डाउट अब समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा यस सर, चलिए मैं बताता हूँ। और किसी को और किसी के साथ कुछ? हाँ, क्या बोल रहे हैं? डाउट है सर वोकैबुलरी। प्लीज जी पूछिए। सर आपकी प्रॉपर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है? मुझे तो आपकी आवाज एकदम साफ आ रही है। अभी आ रही है आवाज आ रही? हाँ, वो नेटवर्क इशू आपकी तरफ से होगा। नेटवर्क इशू कभी कभी आप लोगों की तरफ से हो जाता है। अपनी लोकेशन बदल लेंगे तो नेटवर्क इशू आपको नहीं होगा। आप अपने जो लोकेशन थोड़ा आगे पीछे चेंज करेंगे ना, तो नेटवर्क इशू फिर आपका ये नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कुछ पूछ रहे थे ना, बताइए जल्दी क्या पूछना आपको। सर हाँ सर, जैसे हम मतलब राइटिंग के समय सर, इंग्लिश से लिखते समय जी सर, जो हमारी मतलब सर मीनिंग बहुत गलत हो जाती है सर, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करें? अच्छा क्या पूछा आपने, क्या बोला? फिर से पूछिए एक बार और क्या बोला आपने? इंग्लिश राइटिंग में सर बहुत सारी मीनिंग जो होती है वो सर मतलब गलत हो जाती है सर। अच्छा ठीक है। हाँ। आप कह रहे हैं लिखते समय अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, आप ये बोल रहे हैं राइट? यस सर। मैं बता रहा हूँ इसका सही उत्तर क्या है। मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको साफ? यस सर। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है अक्सर जब कभी हम जो स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं ना, उसका प्रॉब्लम सबसे बड़ा, ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये लड़के क्वेश्चन ये पूछते हैं अक्सर कि सर हम लोग लिखते समय वो गलतियां हो जाती हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ जो आपको भी नहीं पता होगी, वो ये है कई कई लड़के जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई लिखाई में और जो नौकरी है पेशे में ऑलरेडी दे आर इन वर्किंग स्टेट, उनको भी इस तरह की समस्या कभी कभी बीच में कुछ कुछ दिनों के लिए हो जाती है। सुना आपने? यस सर। और इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण सिर्फ एक है कि जब आप अपनी चीजों में मशगूल रहते हैं, मशगूल का मतलब जब आप अपनी चीजों में खोए हुए होते हैं, जैसे कंसीडरिंग एक वर्ड है, मान लीजिए कंसीडरिंग, एडाप्ट एक वर्ड है, ठीक, डाइवर्सिफाइड एक वर्ड है इंग्लिश का, है ना, या मान लीजिए मैंने भी एक वर्ड बोल दिया जैसे फ्लेक्सोस एक वर्ड है, या हीनेस एक वर्ड है। तो ऐसे वर्ड्स जो हम अक्सर, मान लीजिए अक्सर हम सुनते हैं और हम मनी मन में ये समझ लेते हैं कि हाँ हमको तो ये मालूम है, हमको ध्यान नहीं होता इस चीज का। और जब हम लिखने बैठते हैं जैसे कॉन्जिक्यूटिव है ना, कॉन्जिक्यूटिव, अब ऐसे है थर्मामीटर आप लिखो, साइकोलॉजी आप लिखो, प्रिंसिपल लिखो, प्रोफेसर लिखो, कॉलेज कभी कभी लिखो, कलर वर्ड लिखो, रिस्पेक्टिव वर्ड लिखो, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, उसमें फिर हमको लगता है ये एस यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा। इसीलिए कहा जाता है इफ यू आर अ गुड लिसनर, यदि आप चीजों को इंटेंटिवली सुनते हैं ना, या लाइफस्टाइल आपकी बदलती है, तब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, स्पेलिंग एरर्स वाली प्रॉब्लम आती है।
ठीक, तो आप सुनने की अपनी थोड़ी ताकत को बढ़ाएं, गौर पूर्वक सुने, सुने मतलब उसको समझें वो वर्ड क्या है। उसको सुनने का मतलब होता है कि किसी पे अटेंशन देना, किसी चीज के ऊपर प्रॉपर टाइम देना, तो आपको ये प्रॉब्लम धीरे 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 रिमूव हो जाएगी आपकी ये प्रॉब्लम, है ना। जब हम वर्ड्स को ग्रांटेड लेने लगते हैं तब प्रॉब्लम आती है। अब देखिए वर्ड्स हैं, जैसे वर्ड्स या तो आते हैं या तो वर्ड्स नहीं आते हैं। अब जो वर्ड्स आते हैं उसी में कंफ्यूजन होता है, जो नहीं आते उसमें कंफ्यूजन के कोई चांस ही नहीं है ना। प्रॉब्लम ज्यादातर उस वाले पे वर्ड्स में होता है जहां पे हमें चीजें थोड़ी बहुत आ रही होती हैं, ठीक है, समझ में आया क्या। अब बात ये है कि घुमा फिरा के शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, आप लोग क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे, मैं आपको बताता हूँ करना क्या, आपको वोकैबुलरी के लिए कैसे क्या करना है आगे, ठीक है। आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, आपका उत्तर है हाँ सर करनी है हमें, आप बताइए तरीका क्या है। तरीका सबसे पहला तो मैंने जो बताया कि मोटिवेशन बनाओ, मोटिवेशन ये बनाओ, सर ने हमें कुछ अच्छी बातें सिखाई हैं आज की क्लास में, सर ने ये बोला कि तुम यदि किसी से डायरेक्टली फ्लुएंटली प्योर इंग्लिश में बात करो ना करो, लेकिन कुछ इंग्लिश के वर्ड्स का यूज करो जिससे कि तुम अपनी बात सामने वाले को स्टैंडर्ड वे में बता पाओ, राइट। जब हम किसी से हिंदी में भी बात करें तो उसमें कुछ अच्छे वर्ड्स का हम यूज करना स्टार्ट कर दें, और वो अच्छे वर्ड्स हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमें उसकी जानकारी होगी। समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा। तो अब हमें करना उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम पहले तो उसकी शुरुआत कैसे करें, श्री गणेश कैसे करेंगे, हम उसके लिए कुछ नियम बनाएं कि भले ही हम 10 वर्ड ना लिखें, हम 5 वर्ड ही लिखें, हम 4 वर्ड ही लिखें, हम 3 ही वर्ड लिखें, हम एक दिन में एक ही वर्ड लिखें, लेकिन हम लिखें जरूर। जैसे हम खाना कम खाएं, खाना हम समय पे ना खा के हम किसी दूसरे समय पे खाएं, लेकिन हम बिना खाए नहीं रह सकते यदि हमारा फास्ट नहीं है तो। हम खाना तो खाते ही हैं, चाहे सुबह का खाना रात खाएं या सुबह का खाना हम दोपहर में खाएं या कभी और खाएं, राइट। तो कोई जरूरी नहीं है कि उस समय के लिए हम पूरा टाइम हम दे ही, हो सकता है हमारी समय की उपलब्धता आज ना हो, हम किसी चीज में व्यस्त हो गए हों, चलेगा। तो मैंने बोला कि 10 वर्ड की जगह 5 लिख लो, 3 लिख लो, 2 लिख लो, 1 लिख लो, लेकिन लिखना जरूर है डेली, ठीक। और वर्ड्स अलग अलग सेक्शन से उठाओ, कंटेम्प्रेरी वर्ड्स उठाओ, जिसको हिंदी में बोलते हैं समकालीन शब्द, जो आजकल के समय पे इस्तेमाल होने वाले जो शब्द हैं, वो कहाँ से मिलेंगे, न्यूज़पेपर से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, न्यूज़पेपर से मिलेंगे, ठीक, और कहीं से नहीं मिलेंगे, न्यूज़पेपर को छोड़ के और कहीं से नहीं मिलेंगे। जो किताबें पढ़ते हैं ना हम लोग, जिसको नॉवेल बोलते हैं, मैगजीन बोलते हैं, मैगजीन में तो कुछ नहीं तो नए वर्ड्स मिलते हैं, लेकिन नॉवेल में नए वर्ड नहीं मिलते ज्यादातर, उसमें ट्रेडिशनल वर्ड्स मिलते हैं, जैसे दाऊदी, दाई, दाइन, ये पुराने अंग्रेजी में बोला जाता था, न्यू इंग्लिश में नहीं बोला जाता ये सारे वर्ड्स, राइट। तो हमें नए अंग्रेजी में आजकल के जो शब्दों में प्रयोग हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस कल्चरल, क्रॉस फंक्शनल, क्रॉस डाइवर्सिफाइड, जो हमें वर्ड्स देखने हैं वो हमें न्यूज़पेपर से ही मिलेगा, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो न्यूज हो, साइंस मिसलिनियस न्यूज हो, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हो, किसी भी प्रकार की न्यूज हो, ठीक है। तो एक तो मैंने कहा कि हैबिट में आ जाओ लिखने का, और दूसरा कि एक डिफिकल्ट वर्ड का प्रोनंसिएशन जरूर किया करो, डिफिकल्ट वर्ड का प्रोनंसिएशन, जिससे हम नजरें चुराते हैं उसको प्रोनाउंस करना सीखो। जैसे मैं कुछ वर्ड्स बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ बोलोगे आप लोग यदि मैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स बोलूंगा तो? यस सर, ट्राई करेंगे। हाँ ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे, नहीं ट्राई हम करना चाहते हैं सर, ये बोला करो, ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई करेंगे मतलब हम चाहते हैं, लेकिन आप बोलो हम करना ही चाहते हैं, आप तो करवाइए, हम करना चाहते हैं। किसी भी चीज को पाने के लिए ना जुनून की हद से पागल बन जाओ, वो चीज तुम्हारी ही होगी पूरी जिंदगी, वो तुम्हारे ही गुलाम बन के रह जाएगी। थोड़ा पागलपंती जरूरी है हर एक चीज में, पागलपंती थोड़ी बहुत क्या है, जरूरी है। लाइफ में अच्छा कुछ करना है तो पागलपंती जरूरी है, उसको पाने के लिए कुछ थोड़ा सा हमें एक्साइटमेंट होना खराब नहीं होता। बोलिए जरा, अपीस अपेक्स बोलिए, अपीस अपेक्स, अपीस अपेक्स, अपीस अपेक्स, ठीक। अब बोलो अलूफ्लॉफ्ट, बोलो अलूफ्लॉफ्ट, अलूफ्लॉफ्ट, अच्छा अभी फिर बोलो दोबारा, सेरेंडिपिटी बोलो। सॉरी सर, सुनाई नहीं दिया ये। सेरेंडिपिटी जो वर्ड सिखाया था अभी क्लास में, सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी, देखो कितना धीरे से बोला, देखा ना इस लड़के ने। एक बार फिर से बोलिए सर। हाँ एक बार फिर से नहीं, ध्यान से सुनना चाहिए था पहले ही, पिछली बार मैंने, पहली बार नहीं बोला है, ये चौथी बार बोल रहा हूँ मैं ये वर्ड जी सर।
है ना, लेकिन इसका सेंस ये है कि मैं बात समझ रहा हूँ, प्रॉब्लम पता है क्या होती है, अभी भी जैसे किसी लड़के का नाम है प्रद्यांशु, अब कोई नहीं बोलना चाहता प्रद्यांशु, उससे थोड़ा हम ही लोग पूछते हैं तुम्हारा शॉर्ट नेम क्या है यार, किसी लड़के का नाम डिफिकल्ट मिल जाए फिर देखो, जैसे किसी नाम, किसी लड़की का नाम है त्रिशाला मान लो, त्रिशाला, अब वो थोड़ा बोलने में अजीब लग रहा है, क्षितिज बड़ा अजीब नाम लग रहा है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कुल मिला के, है ना, अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, बताना क्षितिज तुम्हारा शॉर्ट नेम क्या है, है ना। यस सर, तो जुबान को हमको थोड़ा प्रैक्टिस डालना पड़ेगा ताकि अपन दोनों तरह से कंफर्टेबल रहे। वर्ड था सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी, हाँ देखा, एक ने बोला चार चुप हैं क्योंकि सेरेंडिपिटी पता नहीं अरे कोई बात नहीं, कोशिश कर रही हो ना, यही सबसे अच्छी बात है, कोशिश कर रही हो। चलो अब मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, बोलो एक बार मेरे साथ, सेरेन सेरेन बोलो, सेरेन सेरेन डी डी पी 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 पी, हाँ फिर बोलो सेरेंडिपिटी, 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 डीपीडीटी, डीपीडीटी। अच्छा एक लड़का अभी देखो पीछे से धीरे से बोल रहा था, वो एकदम सही बोल रहा था, सेरेंडिपिटी। हाँ ये कौन है भाई, ये कौन बोला अभी, राम जी, हाँ राम जी एकदम सही बोला है तुमने, वेरी गुड। चलो अब एक और बोलो, जरा एक और बोलो, बोलो एक और रुको जरा, दूसरा नया वर्ड है, अब बोलो ओमनोटोपोपिया, बोलो जरा ओमनोटोपोपिया, ओमनोटोपोपिया क्या कर रहे हो यार, फिर से बोलो एक बार, ओमनोटोपोपिया बोलो, ओमनोटोपोपिया, ओमनोटोपोपिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब बोलो कोहाग, बोलो कोहाग, कोहाग। अच्छा अच्छा तुम्हें एक बात पता है, जो फॉरेन कंट्री में जो वर्ड्स बोले जाते हैं ना उनकी प्रोनंसिएशन बहुत अलग होती है, दुनिया की बेस्ट अंग्रेजी मानी जाती है अमेरिकन इंग्लिश, है ना। अब जैसे वहां पे फादर बोलते हैं ना फादर, यहाँ पे पापा, फादर, पिताजी, बाबूजी, राइट, वो लोग फादर को पता कैसे बुलाते हैं वो लोग, चलो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ अमेरिका कैसे बोलते हैं, बताओ अमेरिका, अमेरिका कैसे बोलते हैं, हाँ अमेरिका, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, अमेरिका, 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 सबको लग रहा है, सबको पता है कि सर पूछ रहे हैं इसका मतलब, इसमें कुछ तो बात है, अब इसका मतलब इसको जितना मुंह बिगाड़ के, जितना मुंह बना के हम बोल सकते हैं उतना ही अच्छा होगा, उतना ही सही होगा, अमेरिका, है ना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जैसे अमेरिकन इंग्लिश में र शब्द का प्रोनंसिएशन नहीं होता है ना, र आर का प्रोनंसिएशन साइलेंट होता है मोस्टली में, तो अमेरिका में से र हटा दो फिर क्या आएगा, अमेरिका, 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 राइट, जैसे न्यूयॉर्क बोलते हैं, न्यूयॉर्क इज नॉट न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क गए थे, जैसे अगर किसी गली मोहल्ले में गए थे, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क बोलते हैं, न्यूयॉर्क, राइट, ठीक है, जैसे जैसे बोलते हैं अ फादर, अ फादर में आर हटा दो तो क्या होगा, फादर, इट्स नॉट फादर, फादर, इसीलिए किसी अमेरिकन को लोग जब सुनते हैं तो हंस देते हैं उसके ऊपर, पिताजी को बोल मत देना, पता चला मेरी क्लास के बाद पिताजी को यदि बोल देना फादर यू ना आई लव यू मोस्ट, पता चला पिताजी गर्दन पकड़ के बुलाएंगे तुमको, इधर आना, आज किसकी क्लास की थी, क्या नाम है, क्या पक्का, राइट, पिताजी पता चला मेरी क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे, फिर ऐसा करोगे तो नहीं आप लोग, नो सर, मत करना ये ट्राई घर पे मत करना, है ना, ये लिखा है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू अप्लाई एट होम और डू इट अंडर सम एक्सपर्ट सुपरविजन। दूसरा डांस बोलते हो ना, डांस को डांस कहते हैं, डांस, जैसे क्लास इज क्लास इज नॉट क्लास, जैसे स्टूडेंट स्टूडेंट बोलते हो, इसको स्टूडेंट इज नॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं बोलते, स्टूडेंट स्टूडेंट, मुंह देखो मुंह कैसे छोटा सा हो गया आगे से, स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट, ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्पल, जैसे जैसे इन्वायरमेंट वर्ड होता है, इसको इन्वायरमेंट इज नॉट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, प्रोनंसिएशन तो हम लोग बहुत ही गलत बोलते हैं, सही बात है, लेकिन प्रोनंसिएशन के चक्कर में अपनी खुद की वाट नहीं लगानी चाहिए, हमको पहले शब्द का ज्ञान है ही नहीं और हम सीख रहे हैं कि इसको बना के बोलना कैसे है, ये तो हम बना के सीखेंगे, लेकिन पहले हमको पहले समझ में तो आया कि शब्द है क्या, हमको एप्पल नहीं पता एप्पल का मतलब सेब होता है कि एप्पल का स्पेलिंग क्या होता है, ए फॉर एप्पल होता है, और हम बात कर रहे हैं कि एप्पल हम सही कैसे बोलेंगे, आप सोच रहे हो, ये वही वाली बात है जो लड़के बोलते हैं ना कि हम प्रोनंसिएशन कैसे ठीक करें, तो प्रोनंसिएशन हम ठीक तो करना चाहिए, बहुत जरूरी बात है, समझना चाहिए कैसे ठीक होगा, लेकिन उनको पहले शब्द का ज्ञान भी साथ साथ होना जरूरी है। तो मुझे लगता है आपको मैंने प्रोनंसिएशन का थोड़ा वेरिड फॉर्म भी, स्टाइल ऑफ प्रोनंसिएशन भी कुछ सिखाया बताया, और आपने थोड़ी बहुत कुछ प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करी, है ना,
तो कुल मिलाकर मेरा जो मैसेज है उस मैसेज को समझिएगा. मैसेज सिंपल सा ये है कि आपको खुद को रूटीन में लाना है और ये समझना है कि ग्रामर आए ना आए लेकिन वर्ड यदि आपका अच्छा होल्ड हो गया, स्ट्रांग हो गया, तो आप इंग्लिश में मतलब महारत हो जाएगी आपकी, बोलने वाली भी और लिखने वाली भी और पढ़ने वाली भी हर चीज में. आप देखो कभी भी किसी में भी प्रॉब्लम होती है ना, ज्यादातर प्रॉब्लम अपने को वर्ड मीनिंग की वजह से होती है. और दूसरा एक और समस्या है कि सर ये जो भूलने वाली प्रॉब्लम है उसका उसका जो सोल्यूशन है वो ये है बच्चों कि मंडे से लेकर सैटरडे तक तुम ये काम डेली करते रहा करो और संडे को सिर्फ रिपीट किया करो उस चीज को, नया कुछ मत किया करो, बस उसको रिफ्रेश कर लिया करो. अब तुम बोलोगे सर मैं भूल जाता हूँ, तो इसका आंसर इसका ये है ना, इसका आंसर ये है कि हर आदमी 6% से ऊपर रिकैप नहीं कर सकता. जैसे आज तुमने मान लो 100 याद किया तो कल तक तुम्हें सिर्फ उसमें से 6 याद रहेंगे. तो तुम कहो, तुम मेरे से बोल सकते हो कि सर यही तो प्रॉब्लम है और आप इस पर डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है. तो मैंने तुमसे कहा कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन की प्रॉब्लम है. तुमको लगता है ये प्रॉब्लम तुम्हारी है लेकिन ये प्रॉब्लम ब्रेन की प्रॉब्लम है. हम रिकैप्चुएट नहीं कर पाते, नॉट मोर देन 6%, राइट. तो तुम इसको अपनी प्रॉब्लम में समझो, इसको समझो कि हमें हैबिट में आना पड़ेगा. जैसे भी कोई वर्ड देखते हो तो देखते ही समझ में आ जाता है ना इसका ये मतलब है, क्योंकि हैबिट में हो तुम, है ना. तो प्रैक्टिस में आना बहुत जरूरी है, ना कि उस वर्ड को रट्टा मारना जरूरी है. ये मत सोचो, पैनिक मत हो उस बात को सोच के कि तुम्हें कितना याद हो कितना तुम भूल गए. तुम्हें इस बात के बारे में चिंता करनी चाहिए कि तुम्हें वर्ड की तुम्हारी कंटिन्यूटी बनी है कि नहीं बनी है. समझ में आ गया? यस सर. यस सर. वर्ड की कंटिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट. चलिए तो विद दिस गुड नोट एंड गुड लाइंस आई विश यू ऑल द बेस्ट. हैप्पी रक्षाबंधन टू ईच ऑफ यू वन मोर टाइम एंड होप यू ऑल एंजॉयड योर डे. एंड टुडे इज अ वेरी प्यूरिफाइड डे विथ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय एंड. एंड डू समथिंग ग्रेट टू मेक योरसेल्फ प्राउड and your other people, those who are around you and surroundings, right? ठीक है, शब्दों को जीना सीख लो. शब्दों को शब्दों के लिए नहीं बोलना स्टार्ट करो, शब्दों को जीना सीख लो. You will find entire dynamic and entire change from top to toe. Thank you very much. इसी चैनल पे दोबारा इसी समय वापस से प्रसारण होगा. एक बच्चा बहुत जोर से किसी को चिल्ला के बुला रहा है, उसकी बातों पे कृपया ध्यान न दिया जाए, ठीक है. और अपनी अपनी व्याख्या और अपनी है ना अपनी सफलता की कुंजी खुद से अपने आप को ढूंढने की कोशिश करिए, ठीक. थैंक यू वेरी मच. विल मीट टुमारो. बाय. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय सर. गुड नाइट.